मैं मंत्री महेंद्र प्रताप बोल रहा हूं। हाँ हाँ भाई सुरेंद्र जी। सर ऐसा करो, आज के सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दो और गांव चलने की तैयारी करो। सर ये अचानक गांव जाने का कारण क्या मैं जान सकता हूँ? सबर राख, गांव जाने के बाद सारा पता चल जाएगा। ठीक है सर। प्यारे ग्रामवासियों, आज ब्रह्मी देवी शिक्षा संस्थान का उद्घाटन होने जा रहा है। हमारे बीच आपके प्रिय नेता महामंत्री ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जी पधारे हुए हैं। मंत्री जी बड़े ही सच्चे और नेक दिल इंसान हैं। हम गरीबों को जब भी कभी इनकी जरूरत पड़ती है तो हमने अक्सर इनको अपने करीब पाया है। गांव में जब भी कोई सार्वजनिक कार्य हुआ तो इनमें इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अब मंत्री जी अपने कर कमलों द्वारा नवनिर्मित ब्रह्मी देवी शिक्षा संस्थान का दीप जलाकर विधिवत उद्घाटन करेंगे। मंत्री जी एक बार आइए प्लीज। मंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे आप लोग। भाइयों, नौजवान साथियों और मेरे ग्रामवासियों, आप लोगों ने इस शुभ कार्य के योग्य मुझे समझा, इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा में जाकर जब देखता हूँ तो मेरी आत्मा मुझे कच्चोटती है, मुझे धिक्कारती है और मुझे बार बार रोकती है, कहती है नहीं नहीं, ये तुम्हारा अधिकार नहीं, ये अधिकार तो उस महान व्यक्ति का है जिसके त्याग और बलिदान से आज ये संस्था स्थापित हुई है। और मैं भी ये चाहता हूँ कि इस शुभ कार्य का उद्घाटन उसी महान पुरुष के हाथों हो, और वो महान व्यक्ति हैं ठाकुर धर्म सिंह जी। हाँ हाँ धर्म सिंह जी आइए और दीपक जला के इस शुभ कार्य का शुभारंभ कीजिए। ठाकुर धर्म सिंह जी, 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 ठाकुर धर्म सिंह जी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? मुझे मेरी जय जयकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे मेरी जय जयकार। अगर आप लोगों ने नारे लगाने हैं तो कहिए शिक्षा जिंदाबाद, जागरूकता जिंदाबाद, उन्नति जिंदाबाद, और कहिए ऐ शिक्षा मुर्दाबाद, अज्ञानता मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद। अगर आप लोग ऐसा कहेंगे तभी इस देश का विकास हो सकेगा। आज हमारे देश को आजाद हुए 58 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश सबसे पिछड़े देशों की श्रेणी में आता है। और आप बैठो, आप नहीं बैठ जाओ। मैं ठीक हूँ, आप बैठ जाओ। मैं ठीक हूँ, आ जाओ, आपकी तबीयत खराब है। और आज ये संस्था जिसका शुभारंभ आज हुआ है, ये वैसे ही नहीं बनी। इसके निर्माण में दो आत्माओं के त्याग और बलिदान की कहानी इसकी हर एक ईंट पर लिखी हुई है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं मंत्री श्री महेंद्र प्रताप जी और ठाकुर धर्म सिंह जी एक साथ गांव की गलियों में चल रहा। पहला तू बोल ना, तू बोल। अच्छा नू कर, दोनों बोलेंगे। हाँ चल तो दोनों बोलेंगे। एक दो तीन। बात सुन ले भाई बीरू, के बात है? तू आई बार लांडी कबड्डी का लेस है? अरे जब ठीक से, मेरी तो लांडी में भी सूखी रहेगी और तेरी पूरी में भी भीजगी। बात सुन ले रे, गांव वाले है ना, जो लांडी कबड्डी का लेकर है तो झोटे की भी नाथ फोड़ दे करे। अरे डट जा गांव वाले झोटे। अच्छा झोटा सुन तो मेरे। अरे मेरी सुने। मंदर जल्दी कर दे लोहारी। अरे कित सा, अरे कित सा, अरे जल्दी बताओ लोहारी कित सा। ओ मंदर बाज का जल्दी,
महेंद्र महेंद्र जल्दी बात का महेंद्र जल्दी कर तावड़ा। अरे तावड़ा चल तावड़ा रो चल। की चाहवे है जुत्ती खाने जी करे है की? जुत्ती खाने को नहीं करता मेरा तो घास खाने करे है। घास खाने जी कर रहा है तो मुद्दे लौट के खा लो। खा तो लो मारे गल में भी आ डोरी बांध लो। ज्यादा बकवास मत ना करो हम गाड़ी आड़ी से घनी जूत मार देंगी। अरे लो आरियो नाराज क्यों हो सो हम तो थरा पता पूछने आए थे एकदम कि डेरा घेर रहे सो हमने तो अपने राज पहनने करवाने थे। महारा डेरा तो प्रधान के बाग धोरे पड़ा है आ जाइयो अपनी राज पहनने करवाने। आवांगे आवांगे जरूर आवांगे। चल भाई महेंद्र थोड़ा भैंस काट ले। हाँ बस ईब गया जल्दी कर। मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए मेरी राम प्यारी मेरी। अरे ओ संगीतकार ओ बप्पी लेरी। हाँ दादा। इस रुंडी भैंस के काट लेने की छोड़ा तू। अरे कितना खोतना आया तू जोड़ पर आ गया होगा दादा। अरे बेटी के बाप जा ढूंढ के लिया इस भैंस ने मैं पाऊंगा। कोई बात नहीं दादा आज तू पोसा दिए इस भैंस ने नहीं आज तो मैं तन्ने पाऊंगा। दादा मार ना दिए दादा मार ना दिए दादा मार ना दिए आज तो मैं तन्ने पाऊंगा। पढ़ता लिखता सैनी आप तो पांचवी में बचता कोई अंडे था और मैंने कहा पढ़ता कोई नहीं। पढ़ तो गया रे मेरी जान के दुश्मन रे कौन से जन्म का मेरे बदला ले रहा है तू तो मने पैदा होने से पहला का दुख देन लग रहा है। पहला तेरा बाबू ने टोंदा फिरे जाएगा दा अरीब ईब तू तो न्यू चाव है और तने तो मैं गोदी ठहके जोड़ में ले जू और गोदी ये ठहके तने मैं घर छोड़ू। और बात सुन ले मेरी जे मेरी पार बसाएगी ना तने कटड़े आना था देऊंगा। अरे के कर रहा हूँ महेंद्र। अरे के कर रहा हूँ भाई इस कटड़े ने मेरी तो जमा जान दुखी कर रखी है। मेरा दादा का तो महसंगा से पूरा नहीं हो और जान मेरी आफत मारी है। चल लो आरिया दो रे देख मैं सामान भी ठाला ठीक करवाने का। अरे सहज बोल जे मेरे दादा ने सुन ली ना मने परमानेंट लुहारा का छोड़ देगा। अरे फिर तो अपने दादा ने कहेगा मन भी छुटवा दे न। फिर की करेगा तू लुहारा के? फिर तो मैं तारे बारने आकर रोज लवारियां ले अंडा करूंगा ए चमटा ले फुकड़ी ले जाना ले। अरे डट जा ओ लुहारे। चल ना यार जब तो देखी है ना मेरा तो भाई जमा हुकु की लाग रही है। देख मैं तो सारे घर का पहना लो अभी खुंडा कर लिया यार। चल वे नहीं मानता तो फिर एक बात करेंगे धर्म ने गले लेके चलेंगे अपना तो खास डब्बी है। और सुन रहे वो कटड़े न्यू बता मैं इसने के मेरा दादा पहुंचावेगा और बात सुन ले मेरी सीधा गना चाल जी दो बैंत लावेगा तेरे जम दे दो बैंत पाड़ेगा दो चार तो अरे मेरे ही पैर गए सुन क्या क्या चल सीधा। अरे वो देख वो बैठा किताबी कीड़ा। अरे धर्म अरे के कर रहा है कतिये जमा किताबा में सर डब हो रहा है। अरे आ जाओ कबाड़ियो कुछ ना कर रहा। अरे आराम ते कति सिर पर चढ़ेगा की चल चल लेंगे। कित चल लेगा कित चल लेंगे इतना फांसी चढ़वावांगे कुछ न कुछ अच्छी ये चीज दिखावांगे। सॉरी और किताब भी कीड़ा बना रहे से बाहर भी तर भी घूम लिया कर और जर्नल नॉलेज की बात भी सीख लिए कर तेरे बड़ी काम आवेंगी बड़े काम की बात है ये। अरे रहन दे प्रोफेसर जरूर कुछ उल्टी सोच का है सो न्यू बताओ कित बैगन के बीज बोने से। ना भाई तेरी सुन इसी कोई बात ना से। ते फिर न्यू बता बात किस है। रवे गांव के गोराज गाड़िया लो आ रहे हैं दो चार राज खुंडे पड़े थे तो मकाले इन ठीक करा लावा कदे अड़ी भीड़ में काम आ जा कर। अरे वीरू न्यू बता भाई कुर्सी मार काट होने का बैस है। अरे होगी ते के उधारे मांग के लावेगा। तुम ईसा कर लो मन्ने तो को अक्सर पढ़ने दो और जाओ तुम मैं घूमे आओ।
ना भाई हम तो तीनों यार कट्ठे चले करो और अपो तो भी कट्ठे चलेंगे। चल ना भाई चल। चलो तो भाई नहीं मानते थे। चला गए ना बोले। आओ चौधरी। आए मिस्त्री आए। बोलो चौधरी के चाहिए। देख मिस्त्री या कुल्हाड़ी जमा है खुंडी हुई पड़ी से अरिया दाती अरिया बसोली कती तो बेकार हुई पड़ी से इन जमानु इसी बना दे कतीनु बर्छी जी सी। न्यू बता कसाई की दुकान खोलने का विचार है के भैया नो बताई ने तो खोलनी भी पड़ सके से पर एक बात समेंदर सबसे पहला बोली का बकरा तन्ने बनाऊंगा बदर ताची बोनी और किसी की हो ही नहीं सकती। चौधरी साहब मजाक तो खुबे कर लो हो। ठीक कैसे मिस्त्री खरा खोटा पहला अपने बज में के देखना चाहिए जिस सर्वे में घाटा हो गया तो दुकानदारी फैल नहीं हो जाएगी। चौधरी साहब या खाट खींच लो और बैठो थोड़ी बार चौधरी साहब माड़ा टेम तो लगेगा अबर काम हिसा कर दूंगा अग मारे आन की बाट देखा करोगे। चलो यह भी देख लेंगे मिस्त्री। पर मिस्त्री तुमने एक बात बता खरा स्त्रियां गुजारा क्यों कर चल रहा से आजकल सब काम मशीना तो लग गया फिर थर दुरावे कौन से क्यों हो गए का तो हमारे जैसा भूला भटके आ जा है इस पर के आ जा है और हमारे जैसे भी पता नहीं किस लालच में यहाँ पर आ जाते हैं। चुप बैठा रहने बात तो साची कहो सो चौधरी इतना गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो रहा से अपर करें के ये हमारे बुजुर्ग की परंपरा से इमने मारनी तो पड़ेगी हमारे बुजुर्ग ने तो घास खा खा के मुसीबत काटी से और हमने तो फिर भी किसी न किसी ढाला दो बखत की रोटी मिल जा से इब चौधरी साहब हमने तो काम करना पड़ेगा। लो चौधरी साहब कति इसे बना दिए हैं अगर हमने याद रखोगे लो 20 रुपये दे दो। चौधरी साहब हाँ हाँ ले भाई 20 रुपये ये ले ये ले। के देखो हो चौधरी साहब यो मारे टंडे का हीरा से हीरा गर्मी नाम से छोरी का इसका बापू मारे कबीले का मुखिया से और जब यह 5 साल की थी जब इसकी माँ मर गई थी एकली औलाद से या और मारे टांडे का सरदार इसने माँ बाप दोनों का प्यार देश है इसकी खातिर मारे डेरे के सारे आदमी जान देने तैयार रहे से बहुत सियानी छोरी है चौधरी साहब आपके जच्चे को ना अकीब के ने इसने बीए का इम्तिहान दिया से और इसका बापू उन्नु कह रहा था अकीब के नैया पूरे हरियाणा में पहले नंबर पर आवेगी। भाई मिस्त्री मेरे तो यह बात जची नहीं के थारा को ठोड़ ठिकाना तो सह नहीं घूमन फिरन वाली थारी जात फिर यह पड्डी क्यों कर मेरे तो कुछ समझ में नहीं आई। यह तो बात से चौधरी साहब एक बार मारा टांडा गांव में आकर रुक गया और उड़े धोरे एक स्कूल था और इस गर्मी ने बेचारी ने पढ़न का बहुत शौक था। लो भैया आज तुमने फिर गणित पढ़ा दू न्यू बताओ भाई जो कल काम दिया था उसने कितने करके ले आए हो करके ले आए। अच्छा भाई फिर तो तुम घने होशियार हो गए कल के बारे में पूछू जो कल पढ़ाया था तू बता बेटा खड़ा हो तू खड़ा हो रहा है मास्टर जी कल बता दूंगा। आज तारा डूब रहा है तेरा कल बता देगा मुहूर्त देख कर बताओगा ईब तो थोड़ी ये कर रहे थे सारे कर ले आए सारे कर ले आए ईब क्या हो गया तू खड़े हो रहे चंद्रमुखी बता 8 और 6 क्या हूँ उसे बताऊ जी दो कर दी 26 जनवरी कती फैल क्यों कर रहा नाश खेत जी मेरे बाबू और सारे भाई 8 से मेरी माँ मेरी काकी ताई सारे
कुल मिलाकर 6 साल। जब सारा के जोड़े बनाओ तो 2 बच्चे। तू बता रहे, खड़े हो तेरे सर से मुंह वाले, खड़े हो। बता 4 में 3 जोड़ दें क्या हो जाएंगे? 7। कौन सा बोल जा रहे है? चलो भाई, आज तुमने फिर इतिहास पढ़ा दियो। नो बताओ, ताजमहल किस से है? सजी मारे काम की जरूरत है। सजी कंधे गार्ड। तू खड़े हो रहा क्या? जी पानी पर। आगरा में। अरे बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। जी मैंने मारी मना। ना मार तो कोई ना बेटा। नू बता क्या नाम से तेरा? जी बिरमी। अच्छा, किस किस है? गाड़ेलू आ रखी। तेरा पढ़ने में जी तरह है? हाँ। तो बेटा स्कूल में आया कर, फिर नाम लिखवा। जी मेरे बाप को फोन ही भेजे है। क्यों, क्यों ना भेजे? नाटे से वो। हाँ। तो मैं बात करूंगा, चल उससे। चल पेटावे बाबू दे। हाँ बेटे, कौन सा है तेरा बाबू? मेरे बाबू वो से। वो? हाँ। अच्छा चलते। हाँ भाई मिस्त्री, ये छोरी थारी है से? हाँ भाई मारी से। कि मैं खोट कर आई के? ना 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 ना, कड़वा मत देखे छोरी का। नहीं, मैं सिर्फ न्यू कहना आया था कि छोरी से घनी होशियार, और जो इसने तुम पढ़ाओगे तो यह बहुत आगे तक जास कैसे। चौधरी साहब आप कौन सो? भाई मिस्त्री, मैं सू स्कूल का मास्टर, और यह छोरी तो कई दिन तो देखने लाग रहा हूँ, छुप छुप कर स्कूल में आवे, और फिर उन सवाल का जवाब इतनी जल्दी दे से जो मैं 6-6 महीने तक पढ़ाए जाऊँ बालकन, और जब भी नहीं दे पाते भी। मास्टर जी थारी बात तो ठीक सा है, पर आप भी यो किसी बावड़ी बात करो सो। मारा बालका के पढ़ाई कढ़ा नसीब में लिखी सा, मारा तो चिड़िया वर्गा रहन बसेरा सा, आज आड़े सा तड़के के बेरा कित पाऊंगे, बता कुक कर पढ़ा पाऊंगे हम बालका ने। और दूसरी बात मास्टर जी, मारी कबीले की परंपरा भी इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम छोरियां ना पढ़ावा, और मैं तो इस कबीले का सरदार सूं, जो मैं ही इस मर्यादा ने तोड़ूंगा तो और आना क्यों कर रोक सकूंगा। नहीं मास्टर जी, नहीं, हमने नहीं चाहिए पढ़ाई वढ़ाई, मारी इज्जत तो हमारे घर में ही भली सर। के बात होगी काका? अरे के होती जो मास्टर जी सर स्कूल का, अरे यार ब्रह्मी की तरह डिगर गई होगी इस घर जानी ना के बेरा के शौक सा पढ़ने का। अरे मास्टर जी कैसा है, ये तो होशियार है बहुत सा पढ़ने में, तुम इसने पढ़ाते क्यों नहीं? अब तू है बता धोलिया, जो मैं ही इस मर्यादा ने तोड़न लग गया तो महाराज स्कूल की मर्यादा ने कौन निभावेगा? किसी बावड़ी बात करो सो मिस्त्री जी, बालका ना पढ़ाने तो आपकी क्यों कर मर्यादा टूट जाएगी? काका सतन, मैं तो मास्टर जी की बात तो सहमत सू, अपर यह हमारी मजबूरी से, अख हम एक जगह रह को ना पाते, जय ते मारे बालक पढ़ भी को ना पाते। देख भाई मिस्त्री, मेरे कहने से इसने स्कूल में भेज दे, जब तक थारा डेरा आड़स है जब तक तो भेज, जबकि तो और चले जाओ, भेजियो ना भेजियो वो थारी मर्जी। बापू जान दो ना, मेरे जी करे पढ़न का। ए मारी लाडली, ए मेरी बेटी, तने मारी मजबूरी का कोनी बेरा, बता क्यों कर पढ़ो पाओगे तना, मारे तो 2 जून की रोटी का भरोसा कोनी, बता कड़ा ते लाऊंगा तेरी फीस, पर यो नए नए कपड़े लत्ते इब तो बेटा पाटे टूटे पैर के भी काम चाल जैसा है। भाई सतन, तू क्यों चिंता करे? मास्टर जी हम इस छोरी ने पढ़ावेंगे, चाहे हमने अरे 5-4 साल और रुकना पड़े, और मास्टर जी तुम इस छोरी ने पढ़ा दिया करियो। अच्छा भाई मिस्त्री, ठीक से मैं तो चल लूं इब, और तड़के छोरी ने स्कूल में भेज दी। मास्टर जी आप जैसे इंसान अगर सब हो जाए तो ये दुनिया स्वर्ग हो जाए। भाई देख, मारा तो ये फर्ज बने से इस देश का हर बच्चा पढ़ जा, पढ़ लिख कर शिक्षित हो जा, हर व्यक्ति शिक्षित हो तो इस देश में तो गरीबी, अज्ञानता, भूखमरी और भ्रष्टाचार खत्म ना हो जाएंगे। और थारी समझ से मिस्त्री, मैं तो चालू सही। धन्यवाद।
तो मास्टर जी राम राम। राम राम भाई मिस्त्री जी, कैसे आया? ठीक ठाक से सब कुछ? मास्टर जी ठीक थे कौन है? क्यों भाई, क्या बात हुई? मारे कबीले आले डेरा ठान की कहां से। क्यों भाई मिस्त्री, ईब क्या हो गया? रतम तेनू को था कि 2-3 साल का रहने का इंतजाम कर लेंगे, हमारे ईब के बिजली पड़गी। वे नहीं मानेंगे मास्टर जी, आप तो जानो सो, हर एक जगह एक हाथ कड़ी बिगाड़ हुआ करे से, मारे कबीले में भी है 2-1। अच्छा भाई मिस्त्री, न्यू बता तेरा नाम कैसे? मेरा नाम जी रत्ना से। भाई जिस बात का डर था ना वो ये कर दिया। रत्ना भाई न्यू को हूँ 2 महीने ताई डेरे ने रोक लो, 2 महीने पाछे छोरी के हो जाएंगे पेपर, मेरे लेखा भाई कितने लेके जाइयो। देखूंगा मास्टर जी, कोशिश करूंगा, अपनी तरफ से तो कोई कमी रखूंगा नहीं। वे नहीं मानने तो बात दूसरी से। ठीक सा भाई रत्ना, कोशिश कर, इंसान के हाथ में कोशिश हो से करनी। छोरी के पेपर करवा लो, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा, आगे की आगे देखी जाएगी। अच्छा मास्टर जी, इब मैं चलूं। अच्छा भाई करो चालू 3 का पाड़ा। रे बिरजू, क्या की तैयारी में लग रहे हो? भाई गांव में काम कोई नहीं आ रहा, दूसरे गांव में चल लेंगे। काम थे बतेरा से गांव में, मैं ले आके दूंगा तुमने काम, बस तुम 2 महीने रुक जाओ। रे भाई रत्ना, रे कित काम रह रहा साढ़े, रोटियां अकेला लेपड़ रे, तू कितने काम ले आके देगा? अरे रिंग टिकी पढ़ाने खातिर तू हमारी क्यों बिरान माटी करे सारा की? रत्ना तू काम ले आगा तो हम और रह जाएंगे, हमने काम तो मत बल से, और क्या को भूखा मरना से हमने डे। रे भाई मानियो मत, ये रिंग टिकी पढ़ाई के चक्कर में तुम सारा ना हमने भूखे मारोगे अड़े। काम तो रही न रहा गाँव में, तुम कितने लाके दोगे? श्यामा 2 महीने की बात से हमारी ब्रह्मी के अंतान हो जाएंगे, वो मास्टर भी कहे था कि 2-4 महीने और डट जाओ। ठीक से जिसी थारी मर्जी, पर यूं बताओ काम कितने लाके दोगे इन्ने? काम हमने चाहे दूसरे गांव से लाना पड़े, पर जो बीड़ा हमने ठाया है ना वो पूरा करके रहेंगे। श्यामा, श्यामा क्या हो गया तेरे? क्या हो गया श्यामा? इतना बचूंगा, इतना बचूं। कुछ नहीं होगा तेरे श्यामा। रे क्या हो गया? रे क्यों कर पड़ गया? हाय क्या हो गया? हाय क्या हो गया तेरे? जी, जी मैं इतना बचूं। तुमने तो मेरा सर, मैंने 5 दिन से कुछ भी ना खाया सर। काम तो तुम दूसरे ने दे दो, अपने तो रोटी जोगा भी ना रखते, पर मैं फिर भी खुश हूँ। मैं थारी इस कुर्बानी में साथ देना चाहूँ थे, पर मैं मर भी जाऊँ तो मन कोई गम ना सह, पर मारे पाच सह तुम इस काम ने जरूर पूरा करियो। आये श्यामा तेरे क्या हो गया? आये क्या हो गया रे इसके? आये क्या हो गया? ना तुमने नहीं मरन देंगे हमें। आये अरे मार दी तूने, या कती भूखी मार दी के बिगड़े था इस रिंगटी का लापड़ावे थे। इसका ध्यान तो इसका बाप भी नहीं रखता जितना तू रखता रे। रे उजाड़ दिया अपना कति, उजाड़ दिया। बुआ चांदो, या तेरी समझते बाहर की बात से, या कि तो दिन इतने लिखे थे राम जी ने, इसका यो बलिदान बेकार नहीं जाएगा। मैं चाहूं सू मारे बालक भूखे प्यासे ना मरे,
वे भी पढ़ लिख कर कुछ बनना सीख लें ताकि श्यामा की ढाला भूख से मरने की नौबत ना आ सके। अर्नुए करते करते इसने बीए कर ली। एक के आ गया अखबार में, क्यों इतनी रात जी हो रही सो? मेरा रिजल्ट आया से बापू, मैं फर्स्ट आई सू। हाँ बापू, देख मेरा फोटो, मैं पूरी यूनिवर्सिटी में पहले नंबर पर आई सू। तब तक घड़े नंबर आए से मेरे। ब्रावो दोड़िया। हाँ काका, के बात से क्यों कर रात जी हो रहे सो? अरे ब्रह्मी का फोटो आया सा अखबार में, अरे यू कैसा है मैं पहले नंबर पे आई सू? काका यह तो बहुत खुशी की बात है, इसे दिन भला कद कद आवे। एक तू एक काम कर, गोज में तो पीछे काट ले, खुशी मनान का दिन से आज तक कुछ हो जावे। हाँ धोड़िया, साची कह से तू, आज तो खुशी मनान का दिन से। हाँ भाई सतन, आज तो वाकई बहुत खुशी का दिन है, जी खोल के खुशी मनावेंगे। ए बेटी, मैं तो न्यू सोचा करती ले हांड लड़ दे इसने न्यू स्कूल में, बड़े के आंख सिकेगी, तू तो बहुत लायक निकली। बात सुन भाई धर्म, तो नौ के दर्शन कर लिए मैं रह रहा हूँ, इनका नाच गाना जरूर देखना हुआ यहाँ। बीरू तू ठीक कह रहा है, आना ही पड़ेगा भाई। हाँ बिल्कुल, मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा। ये रतन है आज क्यों करो भाई, न्यू काम करे, यो काम धंधा छोड़े, साइड दे पार्टी की तैयारी कर ले। अरे पार्टी तो दे देंगे, पर कुछ बात भी तो होगी। सुन ले रतन, इसने इतना ही नहीं बेरा, सारे गांव में खबर हो रही है। अरे कुछ बताओ तो सही, जो मैंने बेरा ना लगे इतना ही। तेरा भाई सारे हरियाणा में दूसरे नंबर पाया है, वो प्रधान ठाका अखबार सारे गांव में दिखावता हंड गया। तब न्यू करो रतन, कोठड़े पे चल लो, और वह काली गिट्टी वाली है ना कत्ती फौजी ओरिजिनल, मैं ले गई पाया। तो भाई के मैं गैल भी चाहिए। कर लिया ये के मैं गैला। अरे मौज हो जाएगी तू चाहे, मैं यो आया। करम है? ओ बेटा करम। अरे कित गए बालको? आजे दादा राम राम। राम राम बेटा राम राम। करम कित जा रहा से? वो तो खेत में जा रहे हैं। और बेटा छोटला भी दिखाई ना दिया? वो वीरू और महेंद्र आए थे, उसने अपनी गलिया लेके गए हैं। वीरू और महेंद्र गल? हाँ ले वो आए गए। दादा राम राम। राम राम बेटा राम राम। तने तो पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। दादा के बात होगी बेटा, न्यू कर अपनी भाभी तक कह पहले हलवा कटवा दे, आज मैं इसी बात बताऊंगा अब तुम बिना कहे हलवा कटवाओगे। दादा हलवा तो चाहे तू रोज खा ले, पर बात तो बता। बेटा बहुत खुशी की बात से धर्म, तने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया, तू घड़ी नमरा तो पास होता से। देख बेटा घना पढ़ा लिखा तो मैं सू नहीं, पर इतना जरूर जानू सू अगी छोड़ी आले फोटो के नीचे तेरा ही नंबर से, और तू से ना दूसरे नंबर पास है, दूसरे नंबर पे पूरे हरियाणा में। और बेटा बात सुन ले, आगे तो उम्मीद या करू सू पहले नंबर पाओगा। ना भाई आलू है मैं को नहीं सारा, भाभी ने कह दे कढ़ाई से दे लेगी, मैं लुआ इन्हें बुला के ले आऊंगा, और जलेबी पारांगे जलेबी। ठहर जा बेटी के बाप, पढ़ता ना लिखता ना, रसगुल्ले बाबा से तना रसगुल्ले, 8 साल हो गए, 8वीं पास नहीं होती तेरे ते, जलेबी बाबा से तना जलेबी, मैं खवाऊंगा तना चट्ठे। और न्यू बता, मुशिया के जैम में हुए तो बिले खोद देंगे। और दादा मैंने तुम्हें एक बात बता, मेरा परदादा था वो गांव का सरपंच था, वो कुछ भी नहीं पढ़ रहा था, और तू कौन सा बीए कर रहा है, तू भी तो गांव का सरपंच है। वो मेरा बाप था, वो लीडरी का तोड़िया होया, नुए घूमे जाया करता, पीपी मुफ्त की दारू, और फेफड़े इसे छालनी से छड़ के वो मर गया। यू बता तू कहना के चाहूस है? कहना के चाहूसू, यो ये कहना चाहूसू, मेरा परदादा सरपंच था और तू सरपंच रहा। परदादा ही मेरी सुन, इस पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, इब के इलेक्शन लड़ूंगा और मंत्री बनूंगा,
और धर्म वर्गे तो मैंने सलूट मारे करेंगे सलूट। मैं बनाऊंगा तेरा प्रधानमंत्री, बेटी के बाप ठहर जा। यो दादा मुंह मीठा करो। ले बेटा, बेटा भगवान करे ईसाई सा मुंह मीठा भगवान रोज करावे। दादा आपका आशीर्वाद रहा ना, तो रोज जाई सी मिठाई खाइयो। बेटा बहुत खुशी की बात से, पर बेटा क्रम नहीं आ रही अभी तई। दादा भाई तो खेत में जा रहा से, बस आम तो होगा। अच्छा बेटा मैं चालू सू, और ध्यान तो पड़िए, मेहनत करिए, पहले नंबर पाकर दिखाइए। अच्छा बेटा। देवर या तो बहुत खुशी की बात से, जब तेरे भाई ने बेरा लगेगा वो तो खूब राजी हो जाएगा। भाभी यो सब थारे आशीर्वाद का फल से, के भाभी ने तो माँ की तरिया पाला और भाई ने बेटे की तरिया पढ़ाया, थारी लगन और मेहनत का ही फल से भाभी। ला देवर तू भी खा ले। उरान भी ध्यान करिए भाभी, एक खानदानी जोटा बेल तुड़वाए अंडे से, चाहे तो राजी खुशी मन्ने भी दे दे, नी आँख मीच कर धून मार दूंगा। ले भाई रोए सारी न खा ले तू, आदत आ रही की आदत जास है, खा लिए इसने कदे और आके आले जागता अंदर। भाभी तू खुद समझदार सही नहीं, बता इन पे भी क्यों जूती पिटवावे से, ईब तो मसा बचकाया हूँ मेरे दादे दो रहता है। भाई रोई का सारे उल्टा बतलावेगा, मेरा ना के खा के जामया था इसकी माँ ने। मैं बताऊँ भाभी, इसकी माँ ने बूंबले खा के जामया था। सच्चे सारी अनोल्टे बतलाओ सो तुम, इसकी माँ ये बताओ थी। अच्छा हाँ, अगर ये जब पेट में था ना तो इसके पछंडा देखी माँ का पेट दुखन लग गया, तो इसकी दादी ने बूंबले कूट के और काला नमक मिला के और इसकी माँ तक खवा दिया, बस 10 मिनट में ये टपक गया। सारी अनोल्टे बतलाओ सो तुम। अपनी चले स्कूल लगा के फूल बगल में बसता, कॉलेज का सीधा रस्ता। डट जा उड़े भी चाल के मैं गाना से धर्मे चालना मेरे। अरे गंजे चालते पड़े कदे भाई ने वेरा पाट जा। कोने वेरा पाट है भगत, तो उल्टे आ जाओगे। पर यार भाभी ने तो जरूर वेरा पाट जाएगा, वह तो रात ने कई चक्कर मारे से, कदे मैशा नशा वाला ना आवे, कदे गोबर ठाना आवे से, उसने तो जरूर वेरा पाट जाएगा। और यार कोन्या बेरा पाट है, दिन लिखने तो पहला ही आगे सो जाएंगे। क्या का बेरा पाट जाएगा, केरे चो समर जाना था मैं, तमने तो पढ़ना नहीं, इसने तो पढ़ लें दो। भाभी यह बात ना थी, बस न्यू थी। अच्छा तो के थी भाभी? बात न्यू थी, अगर मेरा रिजल्ट नहीं आया से तो जो पहले नंबर पर छोरी आई से ना, वह गड्ढे लोहारा की से, और वे लोहार मारे गांव के गोर आ रहे से, इससे खुशी में उन्हें नाचन गान का प्रोग्राम कर रखा से, बस वो प्रोग्राम देखने की जी में थी इनकी। अच्छा इनके मन में शक तेरे में? भाभी बस भाई तो मत बताइयो। अच्छा कोने बताऊं, पर बखत ता के सोजियो कदे उड़े जन काड़ा हो ना। भाभी थारी खुलन ता पहला तैयार पावांगे। के कैसा भाई रोई के? थारी आंख भाभी, थारी आंख खुलन ता पहला आ लेगा यो। अच्छा चले जियो, पर बखत आ जियो। मान गई भाभी, भाभी की बात में झूठी लारे सखी।
डिग्री मिलेगी के मिलेगी मिलेगी के बहु मिलेगी वो गादड़ भर्रा मिलेगा उगी बत्ती बनाए दफ्तर आगे चक्कर काटता हंडेगा नौकरी खातर भाई अपना काम तो मेहनत करना है बाकी भगवान भरोसे मैं नहीं सोचा करता फालतू बात जा फिर अरे क्यों अड़ियल टट्टू भी डाल पैर जमाए खड़ा है जा ले ले तेरी वो डिग्री विग्री जो सी है वीरू उनका रे अरे किन का रे भूल गया के वे रात आली अच्छा वो लोहारी अरे वे तो से दिल की बीमारी वीरू तुम एक काम करो बता के करना है आज तुम न्यू देखो ये कित कित जांच है और इनकी पूरी सीआईडी करो अरे ओ इंस्पेक्टर जोड़ा सीआईडी के चक्कर में जूते लागण लगे तो छुटान तेरा बाबू आवेगा अरे तुम न्यू कर लियो जब थारा जूते पड़न लाग गए ना तो गिनते रहियो और उसका तीसरा हिस्सा मेरे मार लियो फिर तो बराबर हो जाएंगे हैं बराबर क्यों करो ए तीन मारे एक तेरे अरे ओ लफाड़ियो ई मन जान दो मन हो रही हवार अरे यो हिसाब किताब फिर कर लेंगे समझ गए और जो काम बताया है ना वो कर लियो भाई रे क्यों इसने क्यों घेरे खड़े सो जा लंदो इसने घेरने के बाबी मरनो खोगड़ से हम तो न्यू है दुख सुख के बतलावे थे ई भी तो पहले के दुख पड़ गया थारे पर मुफत की तोड़ो सो करना धरना तुमने के मैं सह नहीं
कर तो सब कुछ लिया पर कोई करवाओ भी। तुम करोगे मेरा सियार बॉबी तुने के हम जमा ना ही समझ लिए। खेडो इसने तो जालन दो इसका भाई आना हो रहा है बेकार में गऊ की पिटाई हो जाएगी। इतना गऊ नहीं सहयो गऊ सारे तो उल्टे काम करवाओ मारे पयो गऊ सहयो। ये लोंगड़े के करण आ रहे थे ये धर्म न पर डरना दे। मैं भी आए समझाऊ थी। अरे रात ने के घुसर घुसर कर रहे थे। कुछ ना वो बस बस के मतलब है इस बस का तू मेरे ते के लकोरी है साफ साफ क्यों नहीं बताती। ये रात ने ना के था रात ने ये रात ने लवारा के डेरे में जा रहे थे कोई प्रोग्राम होगा नाचन गान का। देखे मैं समझाऊंगा ना तो यो बुरा मानेगा और अपने देवर ने प्यार तो समझा ले और इन बदमाशा का साथ छोड़ दे। रहन दे अब बस भी कर अब बच्चे की जान लेगी क्या। मैं बताऊंगी तने जब देखे जब शरारत सूटती रहे तने तेरी तो खाल खींचनी पड़ेगी। सारी ये मस्करी कभी खत्म होगी कि नहीं होगी शर्म तो आती नहीं। ए भाण कर लेन दे ना मजाक थोड़े दिन बाद तो हमारे साथ ही छोड़ देगी। हाँ भाण तू सही कह रही है लाजो तेरी तो सगाई हो गई है ओए तू तो छोड़ के चली जागी हमने। हाँ भाण बड़ी मुश्किल से यो दिन आया से मैं तो न्यू डरे जाऊं थी कदे बुआ चांदो की ढाल मने पूरी जिंदगी ना काटनी पड़े चोखा भगवान ने मेरी सुनते ली। ए भाण तेरा लुहार तो सुथरा से मेरा तो नहीं जी करा था जाने चुटकी भर लो उसके गाले पे। हाय देख क्यों कर शर्मावे था। हे मरजानी तने सारी हाण बकवास भावे से इब तो ताऊ ने कह के तेरी बिरांत काटनी पड़ेगी तेरे में भी गधे के बच्चे वाले ढाई दिन आगे दिखे तेरे पैर धरती पर कम टिके से। हे क्यों झूठ बोल रहा है ब्रह्मी मेरे पांव कबूठे देखे तन्ने। हे पगली न्यू ना कहूं थी मैं मेरा मतलब तो यो था कि तू घड़ी माचरी से कोई खास बात ना से इस उम्र में ते सारी चोरी माचिया करे तेरा की खोट से इसमें आज ताई धोरी जाके मैं बात करूंगी तेरे समझ में आवे से कि कोई छोरा हो तो उसका भी जिक्र कर दूंगी। भाण मेरी निगाह में तो आज तक कोई छोरा आया ही नहीं। इस छोरे में क्या कमी लग गया था तेने देख पूरा 5 फुट 10 इंच लंबा और 36 छाती दोनों हाथ पा ठीक 2.5 किलो दूध एक सांस में पी जा और 19.5 रोटी खा जा। 20 क्यों देनी तू चुप रह ढंगर ला रहा मने 10-10 घंटे गंडा सा चला दूं और बता किसा छोरा चाहिए तेने। रे तू कौन से क्यों आया से मारे धोरे मारी बात क्यों सुने था जुत्ती खा आया से के। देखे छोरी तू गणी मत बोले तू तो मेरी माँ बरोबर से और मेरा दोस्त है ना धर्म तू तो उसकी पसंद है और वो मेरा बड़ा भाई से और फिर तू मेरी भाभी हुई ना और बड़ी भाभी तो माँ बरोबर हो सके नहीं और मेरी भी। यो धर्म कौन से बलास है ए मजनू की औलाद अपने उस दोस्त ने भी कह दिए हम गाडे आली सा गई गुजरी ना से इपते पाछे ऐसी ओछी हरकत करी ना तंगा ने तोड़ देंगी। मार देंगी। सुन ले कला लोहारी लागे तू जीते प्यारी मन आशिक अपना बना ले तेरे रोज दबाओ पैर मने चाहे नौकर तेरा बना ले। सुन ले बीरू रांडे क्यों तुड़वावे तेरे बांडे क्यों सिर अपना फुड़वावे तेरा पल में उतर जा भूत जूत मेरे बापू के जब खावे। सुन ले कला लोहारी लागे तू जीते प्यारी
फिर मेरे जिगर में खटक गई, ओ मेरे जिगर में खटक गई तेरी सूरत भोली भाली। घड़वाले रंग झोल ढोल चाहे गुठी चार घड़ाले, रोज दबाओ पैर मने चाहे नौकर तेरा बना ले। सुन ले कला लोहारी लागे तू जीते प्यारी, मने आशिक अपना बना ले तेरे, रोज दबाओ पैर मने चाहे नौकर तेरा बना ले। सुन ले कला लोहारी कैसे जीते प्यारी। फिर तेरे बिना ना जी पाऊं, जा गोली खाके बीस रुपये दे बन्ने लाई बदु तन्ने लाके रे लाके रे लाके। पत्थर भर रखे छाती में कदे तमोम बना ले, रोज दबाओ पैर मने चाहे नौकर तेरा बना ले। सुले कला लोहारी रे लागे जीते प्यारी, मने आशिक अपना बना ले तेरे, रोज दबाओ पैर मने चाहे नौकर तेरा बना ले। सुन ले बीरू रांडे क्यों तुड़वावे तेरे बांडे, क्यों सिर अपना पुड़वावे तेरा, पल में उतर जा भूत जूत मेरे बापू के जब खावे। सुन ले कला लोहारी लागे तू जीते प्यारी। सुनो तो सही, अरे मना सारता एक जरूरी बात करनी से। न्यू नहीं मानेगा ये मजनू की औलाद, आज तो इसकी धुलाई करनी है पड़ेगी। फिर बात काहे की, देखो मारो जुत्ती, देखो देखो मारियो मन्ना मेरे, देख भाभी मारियो मन्ना तू कती भी, देख मेरा दोस्त धर्म भी आ गया है। हाँ मारियो मन्ना आलंदे तेरे दोस्त ने, वो के न्यारा तीर तोड़ेगा, देख लेंगे उसको भी। तीर तार का तो मेरा नहीं, फिर काटने के चीचड़ तो मैं तोड़ दिया करूँ। घड़ी बकवास करो हो, छोरियों के पीछे पीछे घूमो, शर्म नहीं आती तुमने? अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, मारी बात तो सुनो। बिरमीन ने गलत मत समझिए, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे कहे थे थारे पाछा आए थे, मैं तेरे ते मिलना चाहूँ था बिरमीन। क्यों, क्या खातर मिलना चाहे था तू, के लागे से तू मारा? अरे मेरी बात तो सुन। क्यों के सुनू तेरी, हमने रोज कहीं कहीं मिले से ऐसे सुना नाड़े, और जा अपने चमचे ने भी ले जा, और सुन जे इतने पाछे ऐसी ओछी हरकत करी ना तो वाह गति करवाऊंगी कि गाड़िया की छाया ते भी डर लगेगा तमने। अरे जान है तू, किसी ने सच्ची कही से गधे की आंख में घाल लेगी, नहीं बोला मेरी तो फोड़े दी, भले का जमाना एक होने रहा। अरे ले वो लिफाफा पकड़ ले, इसने इसमें कोई साबित छुक होने, और डेरे में जाके इसने खोल के देख लिए, कुछ समझ में आवे ते कोई कार्रवाई कर लिए, ना तो थारा बतेरी भट्टी जले से आग जलान के तो काम आवेगा। चलो रे, क्यों पाछे पड़ रहे सो इनके, क्यों घना कार्टून हो रहा है। ओए शर्म ले आज सह के नहीं थारे, क्यों कबीले की जत का बट्टा लान लाग रही सो। जे थारी या करतूत में जाकर डेरे में बता दू के बनेगी थारी गल्या, सोची सा तुमने कदे? क्यों के बनेगी, हमने कोई पाप कर दिया, इस तरह के झाड़ बोझड़े तो रोज उलझे से मारे गागरे में, पर तेरे पेट में क्यों दर्द होवे से? तू आजकल कुछ ज्यादा ही हीरो पकड़ के चक्कर में लागे से। मैं तो ना कहूं था बर्मी, तेरे पे तो मैंने पूरा भरोसा से। क्यों, मेरा सर्टिफिकेट बना रखे से तने, और ये कब आंख लगाती देखी तने, गांव के छोरे से अच्छे बुरे सारे तरह के होया करे। पर बर्मी पर के मैं बर्मी मैं
मैं तेरे से ब्याह करना चाहूं सू। ये काले थोबड़े वाला नहीं कैसे कि मैं तेरे से ब्याह करूंगा। शक्ल देखियो इसकी, यो मेरे से ब्याह करेगा। जा शीशे में जाके अपना थोबड़ा देख और फिर सोच के देख कि तू मेरे लायक से। मैं पढ़ी लिखी, तू अनपढ़ गवार, तेरा मेरा के मेर। कदे तेरे दिमाग में या नहीं आई कि मुझ जैसी पढ़ी लिखी तेरे गेल क्यों कर ब्याह करवा लेगी? तू ते मैं जो सोचू थी उसका भी खड़ा मूर्ख से। जे तू मेरी नहीं हुई ना बरमीश, तब मैं तेने किसी और की भी नहीं आने दूंगा, लाश पर लाश बिछा दूंगा, समझी? क्यों, तेरी के ताकत से मने रोकण की? तने मेरी ताकत का अंदाजा को ना टाइम मान दे और मैं बता दूंगा मैं के चीज हूं। जा जा, तेरे जी से 360 देखूं सु रोज के। मेरे किसे 360 देखे से ना तू, बाकी इसे नहीं देखे तने। अरे चल चल जा, बता दूंगा तने। जा जा, अरे जा जा जा, देखिया ने 30 मार खा। तने देखे को ना मेरे किसे, और तने जार पार जागी जब देखेगी तू शमशेर के हाथ। हाँ जा जा जा। अरे जा जा, समझा देंगे। निकम में तने शर्म नहीं आई? उन गरीब लवारा की छोड़ जाना छेड़ा तू, उनकी नाम रोशन करेगा मारा तू। दादा मैंने गोली छेड़ी लवारी, फिर क्या करने गया था तू? दादा बीरू राज पहनने करवाने गया था, मैं तो उसके गले गया था। मैंने कोई भी नहीं चाहता। आई मेरे क्या देता, आई दे मेरे क्या देता। दादा पाँचों में ना मारा, दादा पाँचों में ना मारा, दादा पाँचों में ना मारा। क्या पत्थर है? पाँचों में घुमड़ी आ रही है। आई मेरे क्या देता, आई मेरे क्या देता। तेरे राज मैं पहनने करूंगा, मैं बड़ा तना अर्जुन, मैं बैठूंगा तना महाभारत में। बात तो सुनो, क्यों काटन लाग रहे हो ने? के बात होगी? अरे यो मलंग, जो 254 धारा में सब नभित्र करवाऊंगा। दादा जब कोई बात भी होगी। अरे बात के थी, वो लवार मिल गया था, वो न्यू बोलिया थरा पोता और दो उसकी गला और छोरे थे, उनकी छोरिया ने छेड़े थे और उसने खुद अपनी आख्या देखे से। ओहो दादा, क्या की बात हम आ गए आप, बात या न्यू ना थी। हम काल मैर मेंदर बीरू गाडे लोहारा में गए थे, अरुण का एक छोरी घनी पड्डी लिखी से, उका फोटो भी मेरे पहले आ रहा है अखबार में, तने देखा भी होगा। मैं कल गया था कॉलेज में, उड़े अखबार में देखा मैंने नौकरियां के फार्म लिखड़ रहे थे। अपना फार्म लेने गया था, नहीं सोचा उस छोरी का भी फार्म भरवा दूं, भगवान ने चाहा तो उसकी भी जिंदगी सुधर जाएगी। बस वो फार्म देने गए थे और कोई बात ना थी। अच्छा रे, न्यू बात थी? हाँ दादा न्यू थी यह बात। मन तो न्यू सोची कदे यो कसाई का पेड़ उन गरीब लवारा की छोड़ जाएगी, इज्जत तक खिलवाड़ करे। पर मेरा एक बार सुन मनाती, यो निकम्मा पढ़ता लिखता क्यों ना, क्यों इसने पढ़ाई छोड़ दी? अरे क्रम ठोक, कुछ समझ ले, कुछ पढ़ ले, देख इछोरे ने देख, इछोरे ने देख ले। अरे क्रम ठोक, कुछ शर्मा ले। शर्मा लूंगा दादा, फिर दादा शर्माया था कि पढ़ाई आ जाएगी। चुप हो जाने बाजुल्ले भाई, तू भी क्यों मारे तन्ने तो बेचे थे। रमेंद्र आज तो तू ही बैठा डा लोहारियों की बाट में। अरे किसकी लोहारी, यो मारा काटड़ा मने फांसी चढ़वाए के रहेगा, आज फिर गुम हो रहा है। अरे छोड़ तू काटड़े की, आड़े का देख तू ही फिर लोहारी आऊंगी। लोहारी आवेंगी? अच्छा रहने दे, काल तने पिटवा दिया होता मैं लोहारियां धो रहा है। भाई बात सुन ले मेरी, लोहारी आओ चाहे ना आओ, पर लोहार जरूर बस गया।
यो क्यों हो गया था? अरे कल इसने मेरे दादा पे मेरी आए सारी देई तड़वा दी। अच्छा? शिकायत लाक आया था इसी बात से। चाल फेरी पर देखांगे इसने। खड़ा हो चाल। अरे आके फड़क से तारा। अरे ओ लोहार के कहा था तू मेरे दादा आके आ काम तारी छोरी से रहा। ठीक कहूं था गलत के कही? क्यों करो मारे छोरिया गला छेड़खानी? और के अपने ने छेड़ांगे थारियो इन्हें छेड़ांगे। अरे अरे जाओ जाओ इन बात में कुछ नहीं दरिया से खून खराबा हो जाएगा। अरे लुआरे तू खून खराबा करेगा तू हमने धमकी देवे। मार महेंद्र। हाँ महेंद्र मार। पकड़ ले इन्हें। पकड़ ले मार। तुमरी सासु के खा जाऊंगा तो ना। अरे मारी खा जाता मर गया। लोहर के मार मत दिया देखना देखना। रमेंद्र यू के कर गया रे? देखिए मेरे थोपड़े का भूगोले बदल गया रे। तेरा तो भूगोले भूगोल बदल गया मेरा तो इतिहास बदल गया। देख मेरा हाथे को नहीं उठता। क्यों यार दिखा मैंने दिखा। आए दिखा। देख ठीक से। अरे तू तो पूरा बैद हो गया रे। अरे बैद ने तो छोड़ तो डूब का मन कर रहा हो गया। उमरी सासु का उड़ा लवारिया मजा का हवा बनाएगा। ठीक कैसे वीरू कल तो मेरे दादे ने पीटा और आज इसने मेरी सासु के ने। पर बात सुन ले मेरी मरांगे तो इज्जत की मौत मरांगे। न्यू बेइज्जती करागा नहीं मरा जाओगा। चल चल मत यार सुन। हाँ। चल हाँ। अरे कभी जे तू के सोचता था दो दो गुस्से मार के दारा सिंह बन गया। अरे ये तो हम गरम वाते गरम। अरे देख मारा कमाल। बच गए तो रात बैठा दू मेरी सासू क्या गए मानस पाना सुन। आओ अरे जा जा इसा दिखता ही नहीं मानस खाना वाला। अरे जा जा लुआरिया पे बंधवा ले पूड़े तड़का आ जाएंगे फिर तेरे जमाई। जा दिखता नहीं तो ना। आइयो मैं बताऊंगा तुमने। शमशेर यो के हालत में राखी से तेने ये चोट क्यों कर लागी? ओ गांव के छोरा ने पीट दिया मैं मेरा मारे उनमें जब अपना मुंह आए खोटा से उसे और किसी ने के दोष दिया। मैं सारा ने छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं। मैं दर्द बना रखे दर्द। कौन सा लोग खोटा हो गया अपना? यूं काम का लड़ाई नहीं करा करते। शमशेर गरीब तो जीत के भी हारे करे। यूं ना समझ मत ना बने। शमशेर वो बड़े लोग हैं बहुत पहुंच से उनकी तू क्यों आफत मोल ले से? मैं आफत मोल लू छू और वे बड़े लोग सूते ने कटवा दो मना। अरे कोनिया कटवाते तेने सूते ने मराड तुम्हारा नहीं से। चल आदमी दोले चल।
बर्मी जी, मैं नहीं जानता कि मैं किस कारण या किस अधिकार से आपको यह फार्म भेज रहा हूँ। मैं कल आपके डेरे में आया था तो मुझे आपके कुटुंबी ने आपकी शिक्षा व उपलब्धियों के बारे में मुझे बताया, जिससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। आपकी लगन व मेहनत देखकर मुझे लगा क्यों ना मैं भी इस यज्ञ में अपनी आहुति डालकर पुण्य का भागी बनूं। इसीलिए आपको ये फार्म दे रहा हूँ। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुछ अध्यापकों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं। आप यह फार्म भरकर डाक द्वारा इसके अंदर दिए गए पते पर भेज देना। उसके साथ ही एक गुस्ताखी भी कर रहा हूँ, 500 रुपये भी इसके साथ रख दिए हैं। शायद इस समय आपके पास इस फार्म को भरने के लिए फीस ना हो और ये सुनहरा अवसर आपके हाथ से निकल ना जाए। इसे उधार समझ कर रख लेना। जब जिंदगी में तुम कामयाब हो जाओ तो सूद समेत जोड़कर किसी गरीब बच्चे की शिक्षा के लिए उसकी मदद कर देना। मैं अपना उधार चुकता समझूंगा और मैं ये भी जानता हूँ जो दिल चाहता है वह एकदम असंभव है। फिर भी ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़कर जिंदगी की सीढ़ी पर कदम बढ़ाते चले जाओ। मेरी तो बस यही कामना है और मैं क्या कहूँ, धर्म। फिर सारी रात न सोई मैं।
मिला कि ऐसी सपनों में भी रोई मैं। भाण, वो मने की में घणा है भला छोरा लग गया। देख, यो फॉर्म दिया से, उसने मेरी नौकरी लागण खातर। हे भगवान, जे मेरा इसमें काम बढ़ जाया ना, तो मैं जिंदगी भर उसका श्यान ना भूलूं। ब्रह्मी, तू तो की में घणी एक हो गई उसमें। इसा के दे गया तेरे ताई? दिखे कदे डेरे के बट्टा ला दे, तेरा बाबू तने जिंदी ने काट देगा। ए भाण, या बात ना से, मैं तो उस छोरे की भावना की कदर करूं सू। कि इसे से भी देवता इस धरती पर है, जिब्बे तो या धरती टिकी हुई से। ए कला, सवेरे मेरी गैल शहर में चाल पड़ेगी, मने वो फॉर्म जमा करवा के आना से। मेरी माँ पे पूछ लिए, वो आ कह देगी तो चाल पड़ूंगी। ठीक से, ताई पता मैं पूछ लूंगी। बेटी ब्रह्मी, पढ़े क्यों कर बैठी सो तुम? और यू कागज सा कैसा तेरे हाथ में? बापू यू तो फार्म से नौकरी खातर, मास्टरनी की नौकरी से। बापू, जी तेरी बेटी लग गई ना बापू, तो हमने जिंदगी भर इस भटकने से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात सर बेटी, इसी दिन खातर तो जी उसू, नहीं तो कद का तेरी माँ के दौरे पहुंच गया होता। बस बापू, इसी सी बात ना करा करो। ठीक सर बेटी, को ना करो। जब बेटा रोटी राटी बना ले, बहुत कड़ी भूख लाग रही सर। ठीक सर बापू। मेरे यार बेवकूफ मनान लाग रहा, न्यू थोड़ी काटड़ा पाए गए है। बता, न्यू तो मैसर जोटा आए गए है, काटड़ा तो न्यू आवेगा। अरे ओए, काटड़ा थारा मैं क्यों खाऊंगा, बेवकूफ बना रखा हूँ। ओए वो देखिए धर्म की चाल आ रहा है। ओ धर्म है, रुक जा भाई। मेरे अरे लफाड़ियों मेरी तो छोड़ो,
पहले तुम न्यू बताओ तुम क्यों करांडो हो जोड़ पे। मैं बताऊं मंदिर रगी भैंस का काटड़ू खू रहा है उन्हें ढूंढते आंडा। अरे धर्म मारा काटड़े की तो छोड़ पहले न्यू बता आज दुफारी में यो लाल सूट पहर गैर न्यू बता आज बम बन के कड़े जान की तैयारी है। देख क्यों कर पाछा पड़ रही से मैं कौन सा गांव छोड़ के बाजू सू एक बार कॉलेज में जाके दो तीन फॉर्मेलिटी पूरी करनी है और फिर अपने नौकरी के फार्म भरकाऊंगा। अरे धर्म भाई आज हमने भी कॉलेज में ले चल उन्हें न्यू सुना है और छोरी जींदा वाली पैंट पहरे हैं। अरे जींद की ना होती जींस की हूँ है जींस की पट्टे के पहरे से कदे जींस पहरी हो तो बेरा पट्टे अपने काटे डेंटो लेने देखेगा जींस साड़ी वो तेरा दादा काटेगा फिर गिर के तने। सुन भाई धर्म मेरा आगे मारा काटे का और मेरे दादे का भाई नाम ना लेकर इनकी तो मेरी जिंदगी खराब कर दी खुए काटड़ा पिट्टे मन्ने। भाई एक काम कर तू मन्ने मन्ने शहर में ले चल और बात सुन ले मेरी मन्ने भी एक जींस की पैंट दुआ दे मैं भी कॉलेज में घूमूंगा। आठवीं पास नहीं हुई एमबी चलेंगे कॉलेज के सपने देखे से। अरे मान जाओ ना तेरा दादा मन्ने भी पिटेगा ना भाई चल लांगे चल लांगे वो एक चल लांगे नहीं मानो ना पढ़ो तो पछे। ओ दादा तू है टोली अपना कटड़ा हम तो जाओ कॉलेज में। ना भाई थामे जाओ मन्ने को निखानी जुत्ती। बाबी राम राम इस रास्ते भी दुआ दिया है कॉलेज में दाखला। फार्म भर दिया हाँ इबे बेच के आई सु के बात इबी तू मने गलत समझे सके। मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं मेरे तो या भी समझ में नहीं आती कि तुम्हारे इस उपकार का बदला मैं क्यों कर चुकाऊंगी। अरे पगली इसमें उपकार की ये बात से तू पढ़ी लिखी से थार दोरे साधना की कमी थी तो मन्ने थोड़ी सी मदद कर दी इसमें उपकार वाली कौन सी बात होगी। और जो भगवान ने चाहा ना तो तेरा काम भी बन जाएगा। थारी गेल और कौन से। कोई कोनी हम दोनों आए सा। चलो यो ठीक होया जतो ने बुरा ना लागे थोड़ा पार्क में बैठ के गपशप कर लिया। जे तुमने बुरा लगता हो ना गर्मी तो कोई जरूरी भी ना से। चलो देखी जागी न्यू डर के कत्ता ही जीवांगे। दहा क्या हो गया दहा डट जा तेरी तो लात खान में भी मजा आवस भाई रोई जात तो कोनी आड़े थे मेरे तो दर्द हो रहा से तन्ने मजाक भावे से। मैं क्या करूं जब इन फायरा न रोकेगी जब बद के में काम बनेगा अनपढ़ बछेरी की डाला तन चलाओ है इन न रोकेगी जब बद के में देखा वाली करूंगा दिखा। अच्छा देखिए मेरे तो मोच आगे दिखे से इब क्यों कर चालूंगी मैं। क्यों पे पे करे से दिखाए के भाई आ आ
तू तो काम का माना सहरे, मैं तो तन्ने नुई लो चला फंगा समझोती। आगी देवी मंडवे रम मानस तो खासे था, पर तरिया क्या मैं जाड़ा फिर रहा था, आज अट्टा तो दिखे। चल खड़ी हो धर्म है। अरे होली के थारी मीटिंग पूरी। अरे मारी तो होली तो अपनी सुना, थारी होली की नहीं होली। अरे माई मारी तो मीटिंग मीटिंग नहीं, मारी तो फुल सेटिंग होली। देख रहा है मारेगी नहीं तू, समझ गई ना उड़ा तेरा लात मारी यार, आड़े तू फेरे उन्हें मार लाग रही है। क्या मैं खोई है ब्रह्मी? क्या है मैडम? ना भान, आज ते कुछ ना कुछ गड़बड़ से। आज ते पहले तो तू का देखनी ख्याल में खोई ना देखी मैंने, आज ते कोई खास से बात से। ये छोड़े ना भान। मन ने बेरा से इसका, या क्या मैं खोई से रहने देना है क्या तू? तो न्यू फालतू बात करिया करे, धर्म की आदारी दिखे। आए हाए, उसका भी तो यही हाल हो रहा होगा, तेरी याद में भटकता फिर रहा होगा सपना में भी। रुक जा, चले तो मैं बताऊंगी। कोई मजाक भी आ रही हो? देख किस तरह पड़ा था, जनो किसी ने इसकी प्योद पैड लियो। प्योद ना पाड़ी, राम जी ने इसके पौधे की जड़ दीगी। अरे तन्ने नी बेरा, मन्ने बेरा से, और इसका बीमारी तो कोई और ही लागी। अरे बेरा मन्ने भी से, इसी बीमारी मेरे भी लाग जा कोई। के मजाक करने लाग रहे हो यार तुम भी? आज तो यार सच्चे वो तो याद आओ उसकी। याद आओ से किसकी? ब्रह्मी की। ये तो गया वे काम ते। बस यार के बताऊं? बता बता, तोड़ा बता ये बात से। एक गाड़े आली ते उस हूर निराली ते मेरे यार हो गया रे प्यार मने, मेरे यार हो गया रे प्यार। उसकी भोली रे सूरत प्यारी से बातो इस दुनिया ते न्यारी से, भोला प्यारा सा मुखड़ा वो एक चांद का से टुकड़ा, मेरे यार हो गया रे प्यार मने, मेरे यार हो गया प्यार मने। एक गाड़े आली ते उस हूर निराली ते मेरे यार हो गया रे प्यार मने, मेरे यार हो गया रे प्यार।
शोक हसीना से तू तो गुठी बीच नगीना से सोना से परखण जोगा नहीं और कोई तुझसा होगा मेरे यार हो गया रे प्यार मने मेरे यार हो गया रे प्यार मने एक गाड़े आली ते उस हूर निराली ते मेरे यार हो गया रे प्यार मने मेरे यार हो गया रे प्यार मने लाग रही सो चलो उड़े डेरा चारण लाला से चलो अपना सामान ठा लियो मार इब की होगा तो छुपके से निकल जा इब पे उनता ही खबर पहुंचा दे ठीक से मैं जासू ठीक से मैं तेरा यही इंतजार करूं मैं पहुंचाऊंगा थारे बेरे शर्म यांती दो आखिर के पढ़ लिए उनका माने छोरा गल बाजन न हो रही से ओए छोटू उरे ना तन्ने बीरू के घर का बेरा से हाँ हाँ उस गली में ए चिमटा लो द्राती लो बैठा लो झरना लो ए कुछ तो ले लो ए लखवा लो ये करे सही तई अड़े तो मैं जान नहीं आज डेरा ठाणा से अरे कुछ ते शर्म कर लियो मैं जानू सु थारे भीतर लेगी के जाने से तू सारी हांड नहीं जड़े जैसे तन्ने कोना मिले ब्रह्मी ब्रह्मी ना तो मैं पा कर रहूंगा देख लिए तू लुए सपने लेता रही ब्रह्मी के अरे चाल आऊं सु गणी शानपत मत ना दिखावे अशुद्धि होले क्यों तुम्हारे पे इंस्पेक्टर लग रहा से दिया ही बेरा बेरा तो दिया थी पर वो हरामजादा शमशेर आ गया और मैंने वापस ले आया ए ब्रह्मी चलो ना बेटी क्यों वार करो सो सारे डेरे वाले तो जा लिए काका तुम चलो हम थोड़ी दूर पैदल आवेंगे तावली कर लियो तुम चलो ए इब के हो गया तने शरारत के सिवा कि मैं आवे से के नहीं मेरे तो जीने बीतरी से तू इब भी मजाक करे से क्यों
क्या था जी ने बीतरी से तेरे, तू तो सांची बावली होगी दिखे। हे पागल, अपन है तो रोज मिलाए से और भतेरे मिल जाएंगे अगले गांव में। मजनों की कमी से हमारे देश में घनी बावली मत हो चालिब। भाण, तने तो मेरा बेरा है ना से, मने तो आज तक किसी मानस कानी नजर ठा के भी नहीं देखी से, पर इस छोरे ने तो भाण मेरा दिल ही काट लिया। मेरे तो मन में ता लिकड़ता है गोने, बता मैं के करूं। जी करे से चढ़ू भाज के उसके धोरे चली जाऊं, पर कबीले की इज्जत का डर है। बापू की यह बात सहन करेगा, नाड़ काट देगा मेरी तो। ब्रह्मी, हाल तो मेरा भी यही हो रहा से, पर अपना तो भाग ही खोटा से, सारी उम्र न्यू ही भटकना लिख रहा क्या हमारी किस्मत में। मेरे तो भाई रोए बीरू इतना याद आवे से, सारी हान उसी के बारे में सोचे जा सू। बीरू रे, ए बीरू, अरे इन बैसा ना खोल लेना, इन्हें पानी तो खा लिया। मक्के को है क्यों साका तार रही है? अरे साका भी मैं तार रही हूँ, सारे अनखाट का मैं पड़ा रहा है, काम करना तेरा जी ना करता। रे मैं लू कौन थी, इन डांगरा ना खोल ले, और खोल गई थी पानी तो खा लिया, और क्या मैं मंत्र पढ़ू थी? अरे मैं मंत्र मंत्र तो पंडित पढ़ा रहा, तन्ने पंडित आई कितने सीख ली? यह पंडित आई तेरे बाबू ने सिखाई थी, सारी अनपढ़ रहा खाट में कि तावगा नु खाली बैठे ना खाना। अरे माँ, इबे तो मेरा बाबू जवान पड़ा है, कर लेने देने दो चार साल और मौज, फिर तो मन ने भी दिखा से वो डोबड़े वाला खेत। अरे लांडे बोला दिखी बग्गी, या ब्रांड माटी तो तैयार से, चाहे आज शुरू कर लू चाहे कल। और बता तू के बालक पेटवाओगी पड़ोसिया के? मारे तो उनकी आस नहीं। तू घना चबर चबर मना करा, सीधा होगा डांगरा ना खोल ले, और खोल का इनकी पानी दिखा लिया, अनि तो तेरा सरपाई भी जूती पड़न वाली से। ए भगवान, हमने तो किधर जोड़ कुआ ढूंढना पड़ेगा, घर आ रह ले चाहे बाहर रह ले, यो सर जूतियां तो बचना नहीं। आतंकवादियां डाल फतवा जारी करवा कर इन लोगों की जूती पहननी बंद करवानी पड़ेगी, ना तो मारे दिशा की खैर नहीं। रे तू घना बक बक मना करा, और चुपचाप डांगरा ना खोल का पानी पिया लिया। मैं कोना पागल आता, तू पिया लाइए चाहे मेरा बाबू प्याला होगा। गामला जोटा मत पका, ना दो सिंगे बैठा दूंगा। रहो रांझे, मेरे पे किसा लाल पीला हो रहा है, आज तो तेरी ईर भी को नहीं दिखी, कदे कोई मार ले जाओ, चल चल ना। अरे उड़े जान लाग रहा सू, चलता हो चल। चल, जब मैं तैयार बैठा था। बंदर, अरे यो क्यों कर रहा? बंदर, चाला कर रहे? न्यू बताओ भाई, चाला ने के सीता उठ गई, उन्हें तो जाना ही था, आज नहीं तो कल। अरे बंदर तू आदमी से क्या है? तेरी छाती में दिल नाम की कोई चीज नहीं रहा? भाई दिल तो है, कोई किताब थोड़ी है, अब कहीं भी खोल के बैठ जाएंगे। दिल है मेरा, मैंने संभाल के दे रखे अपना ठिकाने पे। अरे नहीं यार महेंद्र, सासू वाली दो चार दिन में इसी मन में बस गई थी, अब जनू कई साल तक जाना थी। अरे तेरी तो ठीक से, अरे उस मजनू का के मनाएगा जब उसने मेरा लगेगा। हाँ यार महेंद्र, उस तो जल्दी जाकर बताना ही चाहिए। हाँ बताना तो चाहिए भाई। चल महेंद्र, धर्म खेत में से चल, उसने बता कहा है। चल भाई। ओ भाई नाश हो गया रे। अरे क्या हो गया, क्यों चंगाड़ो सो, के बिजली पड़ गई? धर्म भाई चाला हो गया रे। अरे कुछ होया भी होगा, थोड़ा सा आराम तो बोल ले भाई खड़ा से। रवे डेरा ठा लेगे के? डेरा ठा गी? न्यू चुपचाप क्यों कर रहे?
और वे लोड स्पीकर में बतावेंगे कि हम डेरा ठावा हाँ। अरे कुछ खबर तो देनी चाहिए थी उन्हें। बस भाई बेरा है ना, कदम का चुपचाप लेकर के। अरे चल चल के देख ले कि तो आसपास मिल जाते। हाँ भाई चल, जल्दी चल भाई धर्म। अरे धर्म है कि जो है नफाड़िया गए। बस भाई एक बार घर ही जाना था। अच्छा जा भाई, और अपनी भाभी ने कह दिए खाना वाना बना ले, मैं यो काम निपटा कर यो आया। ठीक से भाई। सपने भर गिरे मेरी आँखों में वैरण, क्यों इतने सपने भर गिरे हो मेरी आँखों में वैरण, क्यों इतने सपने भर गिरे। दिन के मिलने के आग पड़े या जिंदगी कम से पेड़ ये गाड़िया की लाग आज मन नाग बर गिरे हो मेरी आँखों में वैरण क्यों इतने सपने भर गिरे। या तो मैं भी जानूं सूं कोई ना मेल तेरा मेरा मेरे दिल में तने फिर क्यों आके ला लिया डेरा चढ़ी नजरों के बल चुपचाप फिर दिल मैं उतर गिरे हो मेरी आँखों में वैरण क्यों इतने
सपने भर गिरे मेरी आँखों में बाबरन क्यों इतने सपने भर गिरे। धरम धरम सो गया के? हाँ के था भाभी। ले रोटी खा ले। मने भूख कोन है। भूख कोन है? क्यों कोन है? तने भूख है तो नकाल भी रोटी ना खाई। अरे भी कह सक मने भूख कोन है के बात से देवर। अपनी भाभी ने तो बता, मारे तो कोई गलती होगी के? भाभी इसी कोई बात ना से, थारी कोई गलती ना से। बात भी कोन है? नखरे में पड़ा से और रोटी भी ना खाता। जब भाभी मने एक बार कह दी ना कि मने भूख ना लगती। धरम तू बहाने क्यों बनावा है? झूठ क्या तई बोल रहा है तू? भूख ना लग गया करे, जो मर्ज है ना वो बता। अरे क्या बात है धरम, तू भाभी ने कह दी तेना रात ने भी खाना नहीं खाया और तू भी नहीं खाता। अरे हमारे तो कोई कसूर हो गया तो बता, तू अपने उठा पे ला के देख, तेरा भाई तने जान भी दे देगा। थारे तक कोई कसूर नहीं होया से, मने एक बार कह दी भूख नहीं लाग रही नहीं लाग रही, क्यों बात चपड़ रहे हो मेरे? न्यू क्या करा है? थारी कोई आवाज सुनी हुई दिखे है ना? मारी कोई आवाज सुनी ना हुई, तू भीतर चलता ना मैं बताऊंगी। ओ दिल को तड़फा के कहां गया बेदर्दी, दिल को तड़फा के कहां गया बेदर्दी। आजा आई बहार दिल है बेकरारो मेरे, राजकुमार तेरे बिन रहा न जाए। पागया पागया ओ बेटे अपना यार, आजा फिर चल। अरे मेरे श्याम सुंदर, अरे धरम आज तू आड़े क्यों कर बैठा भाई? या तो मारे किसी निकम्मे की जगह है ताश खेलने की और तू आज आड़े एकला ही बैठा है, बात के से भाई? अर के बात है, वो क्यों कर सुझा रहा है भाई? आज भाभी गलत तकरार होगी के ना? रमेंद्र किससे तो तकरार ना हुई मेरी? फिर तो भाई मैं समझ गया, इसने हो गया प्यार, क्यों ठीक कम सुना? हाँ यार। अच्छा तो मजनू ने लैला की याद सतावे थी, जाए ताड़ा है बेटा। हाँ महेंद्र तू ठीक कह रहा है भाई, बैरन ने भी रहना की कर दिया, दो ही चार दिन में ऐसा रोग लागी भीतर ले मत लिकड़ती है कोने। अरे भाई जब तेरा ही हाल से तो उसका क्या होगा? बात सुनिए। हाँ के कहे थी भाण? देख के कहूं थी भाई, इतनी छोरी के हो गया, दिन पे दिन सूखती आवस है, रोटी खाती न पानी पीती और दिन पड़ती न रात पड़ती, इस नशे बालो जो रोटी दूस ना बुढ़दान दे दे ठाकर ने। के बताऊं भाण, पढ़ाई की चिंता करती होगी। रे मैं तो तुमने पहले ही कहूं थी मत पढ़ाओ, मारे बालक के पढ़े से देख लिया पढ़ाई का से रे, देख लाई भी छोरी ने। बाण के बताऊं, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। ब्रह्मी आज तेरा व्रत व्रत तो ना सह, क्या मैं डूबरी सह, ये क्या होया? कुछ ना बापू। कुछ ना? फिर उदास क्यों से? कोई दुख दर्द सहते ना? कहवे तो डॉक्टर ने दिखा लिया हूं। ना बापू मैं ठीक सू। ठीक है तो कोन्या, तने सांझ ने भी रोटी ना खाई, तड़के भी ना खाई, इसका कोई ना कोई कारण तो सह बेटी। ना बापू भूख कोन्या, भूख लगेगी तो खा लेंगी। तेरी मर्जी बेटी, जब भूख लगा जब खा ली।
के बात है ब्रह्मी भाण, मेरता तो बता दे। ए, कुछ ना सर, क्यों मेरे पाछे पड़ रही सर? ला बैठी दिल का रोग याद आवे से भूल जाई। क्यों कर भूलू? जिस तरह मैं भूल गई। तू भूल गई? और के सुपने में आया था, मैंने तो कह दिया क्यों मेरे पाछे पड़ रहा से, इप पाछे ना आई। अच्छा न्यू भूल गई तू, सपने भी तने उसी के आन लागे। भाण के करा, साची बात से यू इश्क का रोग तो लगाना नहीं चाहिए, और लग जा तो दिल का बैद घर आए रखना चाहिए। बस पूछे ना भाण। दी।
धर्म तू आड़े मुंह सजाए बैठा है उड़े तेरे घराना तेरी बाबी ना तेरा भाई है मेरे यार तू आड़े बैठा से इस डाकिए ने थरे करके सात चक्कर काट लिए चिट्ठी उमर तो देंदा नहीं हम तो आड़े पकड़ ले आई ने है मेरे यार धर्म की से पिल्ले पड़ रहा है सारा तो बैग टटोल लिया अरे लत्ते पड़न नोरे अरे न्यू के है मारी को चिट्ठी आ रही है के इनका कोई अगला पप्पा पच है अरे को अक्सर जानते ना फिर भी चिट्ठी के पत लग तन्ने बेरा हमारा आज्ञा पच है कि नहीं युद्ध खल्ला गिरा उजड़ा चमन अरे ओ ब्रेकर वाले डाकिया अरे गेर का ना घने मारेंगे मारेंगे मेरी बस बस ने गाल ना दे दिया नहीं देख ले भी गाल ना देखिए मेरी सा कौन है कहता अरे क्यों फांसी दे रहे हुई डाकिया के छोड़ दो इसने ले भाई धर्म तेरी दो दो चिट्ठी आई है अरे तू तो दो दो में लाग गया नौकरी अरे लड्डू खा के था भाई हाँ अरे ऐसा के पा गया इसमें आपको पता पा गया उसका किसका अरे नो तन्ना मेरा अरे बीरू अरे मजा आ गया रे अरे ऐसा जी कर रहा है डाकिए का मुंह चूम लूं अरे मने नौकरी मिल गई नौकरी मजा आ गया आज तो बाबी पर हलवा गुटवावांगे हलवा हलवा नहीं गच पार्टी लांगे की गच पार्टी ओ भाई धर्म तू पहले मेरी सुन मेरा ही नाम दे मैं तो चल लूं आड़े तेरे इज्जत का घंटे बंधवा दिए जमा सड़ा लूट लिए अरे ले यो सो का नोट लड्डू खाइए और बड़का दे भी खवाइए राख ले इस पे डूब जा यो चंदा फिर भी नहीं लगेगा मन्ने तो महकमा और दे देगा अरे धर्मिया तो बहुत खुशी की बात सुनाई यार पर यो दूसरा लिफाफा किसा है हाँ रही हो भी अरे बीरू आज तो खुशी डबल होगी यार डबल मजा आ गया भाई अरे इसमें केप आ गया आज तो मन लगा डबल डबल लॉटरी लागी मेरे यार की बीरू साची कैसे भाई डबल खुशी होगी इसमें उसकी किस्मत से और जित मेरी नौकरी लागी से ना उड़े उसकी लागी से हो बेटे मजा आ गया अरे यह बात तो ठीक से फिर उनती ढूंढांगे कितने के वेरा कितली कट गए होंगे उनका कोई ठिकाना तो सही नहीं हाँ महेंद्र यो काम तो बहुत जरूरी है भाई और जल्दी करना पड़ेगा क्यों 4-5 दिन में तो हमने ड्यूटी ज्वाइन करनी है पर एक बात समझ में ना आती उसने मेरे घर का पता क्यों दिया करती भी के बेचारी उसका के कोई पता ठिकाना से उसने नहीं सोची होगी कि धर्म के घर का पता दे दूँ उस दौरा जब चिट्ठी आओगी तो धर्म जरूर पहुँचा देगा न्यू करो तुम दोनों तैयारी ला लो इबुन ने डेरा ठाए 17 दिन हुए हैं
मेरे ख्याल आस पास के गांव हम पाए जाएंगे, तगाजा कर लो। चाल फिर हमने और काम में कैसे, तू जा अपना काटड़ा ढूंढना, तेरा दादा मारा तेरे। ना ना बोला हो रहा था, काटड़ा मेरा दादा पेटो लेगा, जब मैं दूध नहीं देगी मैं तो तारे कर ले चल लूंगा। चाल जब मिस्त्री वा थारी छोरी कड़े से। चौधरी साहब आज आप आड़े क्यों कर? अरे बतावांगे मिस्त्री बतावांगे, पहले न्यू बतावा सहकित। कौन बिर मी? पर चौधरी नू ते बताओ कि बात किस है। आज मैं उसकी किस्मत खोलन की चिट्ठी ले आजू। उसने नौकरी मिल गई, 5 दिन पाछे उसने ड्यूटी वो जाना से। यह तो बहुत अच्छी खबर है। काका सतन, ओ काका सतन, वो देखिए ये चौधरी आया से, नू कह रहा है अकबर में की नौकरी की चिट्ठी ले रहा सू। चौधरी साहब आप तो मारे ताई भगवान आ गए हो। अरे न्यू मत कहो मिस्त्री। बेटी की बात है, क्या की चिट्ठी चाहिए हो? बापू मेरी नौकरी लग गई बापू, मैं सरकारी मास्टरनी बन गई। देख बापू 10,000 तनख्वाह से मेरी 1 महीने की। चौधरी साहब हम गरीब आपके एहसान का बदला किस तरह चुकावेंगे? इस खुशी के मौके पे तो हमारे धोरे आंसू ही मिल सके सर। इसी कोई बात ना सर मुखिया जी। बेटी चौधरी साहब का मुंह मीठा करा दे, तेरे ताई तो भगवान सही हो। हाँ बापू मेरा भगवान तो यो है सर। मन्ने थारे ताई एक बात और ना बताई थी बापू, वो फार्म भी योए दे गया था मन्ने, और उसकी गेल 500 रुपए भी उसने इस लिफाफे में डाल रखे थे बापू। उस फार्म के 500 रुपए फीस लगनी थी, मारे धोरे तो उस दिन 5 पीसे भी ना थे। जयो नहीं देता ना बापू तो आज तेरी बेटी ना यो दिन नसीब नहीं होता, या सारी इसे देवता की मेहरबानी से बापू। चौधरी साहब जो आपने मारे पे एहसान किया है निस्वार्थ, वो की कोई किसी पे नहीं किया करता। मुखिया जी आज इस छोरी की कामयाबी तो जितनी खुशी तुमने मिली है शायद किसी और ना नहीं मिली होगी, पर एक बात की सलाह मैं तुमने देना चाहूँ, आदमी में मेहनत और लगन हो तो किसा कठिन काम हो बहुत आसानी से कर सके से। मैं थार ते ये नहीं कहता कि तुम अपने धर्म ते डिगो, बिरमी की ढाल अपने बालका ने पढ़ाओ लिखाओ,
और आगे बढ़ाओ। यो काम अपने धर्म पर रह के भी कर सको सो तुम। आज बर्मी ने और मन ने जो भी नौकरी मिली से उसमें हमने थारे जिसे गरीब घूमन आली जाता के बड़का ताई शिक्षा देने की जिम्मेवारी सरकार ने मारते सौंपी से। हम घूम घूम कर उन बड़का ने शिक्षा देवेंगे जो किसी कारणवश स्कूल में नहीं जा पाते। हर तन्ने सोमवार ने डी ऑफिस में जाकर हाजिरी देनी से। कोई तकलीफ हो तो बता दिए, मैं उड़े ही पाऊंगा। बेटा क्यों शर्मिंदा कर रहा है? तुमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दिया, पर एक एहसान और कर दे बेटा। तू बिरमीन अपने साथ ले जाइए, इसने के राह का बेरा से की तांडगी बेचारी एकली धक्के खाती। हाँ बेटा, यो काम तो और करिए तू। ठीक है मुखिया जी, तुम कहो सो तो मैं काल ले जाऊंगा। बिरमी तड़के बखत तैयार पाइये, बखत पहुंचना से उड़े। और यो होलिया भी ठीक ठाक कर गई है। बिरमी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बचपन से देखा हुआ सपना पूरा हुआ से। हाँ धर्म, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा। ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ है धर्म। नहीं बिरमी, यो सब तेरी मेहनत का फल से, और बाकी रही भगवान की कृपा। धर्म, मन ने ज्यादा ते बेरा नहीं, लेकिन मेरे लिए तो तू ही भगवान है। ना बिरमी ना, भगवान तो भगवान न हो से, उसके बिना तो कोई पत्ता भी नहीं ला सकता। फिर हम तो एक मामूली से इंसान हैं। बिरमी, मैं तेरे से एक बात कहना चाहूँ। हाँ धर्म, के कहना चाहवे से? मैं वो के कहूँ? मैं प्यार करूँ सो तेरे ते, यही कहना चाहो सो ना। धर्म, मैं जानू सो तेरे दिल की बात में। मेरा दिल भी तो तेरे पे मरस है, पर धर्म एक डर सा लागे से, कदे अपना यो कदम अपनी दोनों की जिंदगी में जहर घोल दे और दोनों का जीना मुश्किल कर दे। हाँ बिरमी, तू ठीक कैसे, कदे ये समाज के ठेकेदार अपनी भी जान के दुश्मन बन जा। रोज अखबारा मान लाग रही से, कदे रामपाल और सोनिया ने गांव ते काटे से, कदे आशीष और दर्शना ने भाण भाई बनान का ऐलान करे से। इस तरह के गंदे आदमिया की घर में चाहे कुत्ते के बराबर इज्जत ना हो, पर इस तरह के काम में टांगड़ान में बड़ा मजा आवस है। इसे फालतू आने घर तो कोई काम होता नहीं, पर अपनी रोटी सेकण खातर रोज एक मुद्दा चाहिए। इससे बहाने चंदा इकट्ठा करने का मौका मिल जा, भाड़ा मिल जा, और फिर चौधर जमाते फिरे जा। पर यह नौबत आई तो? यह नौबत आ भी गई तो देखी जागी बिरमी, प्यार की खातर मरण आला में दो नाम और जुड़ जाएंगे। बात न्यू से बिरमी, मैं अपने भाई भाभी तो बात कर लू सू, बाकी परिवार वाला ना तो वो मना लेगा। बिरमी, जय मेरा भाई राजी हो गया ना, तो गांव वाले रिये समाज के ठेकेदार कुछ भी कहते रहियो, यो काम वो करेगा और वो हमारी शादी करवा करेगा। असली हिंदुस्तानी फौजी से वो। बिरमी, ये बात फिर करेंगे, शाम होन लाग रही है, तन्ने भी दूर जाना से। चाल, मैं तन्ने अड्डे तई छोड़ दूं। पर मने तो यो भी नहीं बेरा कि बस कोण सी जागी। तो फिर क्या बजागी? देखूंगी, कुछ तो पावेगा गधा घोड़ा, दो चार दिन तो निकालने ही पड़ेंगे। मैं छोड़ दूं? ना, मैं चली जाऊंगी।
इसमें संकोच की के बात से मेरी 5 मिनट फालतू लागेंगी, और जे कोई साधन ना मिला तो तने मुश्किल नहीं हो जाएगी? इतनी गौर ते के देखे से के तीर चला के कर दिया क्यों दिल खाल तने, ओ आजा मोड़ बांध के ओ छोरे क्यों कर रहा से काल मने, ओ आजा मोड़ बांध के ओ छोरे क्यों कर रहा से काल मने, तिरछी नजर के तीर चला के कर दिया क्यों दिल खाल तने, तिरछी नजर के तीर चला के कर दिया क्यों दिल खाल तने। दिन कट जासे सारी रात में गिन गिन तारे काटूं सू, मारे झाल बदन में यू जो बन बड़ी मुश्किल ते डाटूं सू, दिन कट जासे सारी रात में गिन गिन तारे काटूं सू, हमारे झाल बदन में जो बन बड़ी मुश्किल ते डाटूं सू, बड़ी मुश्किल ते डाटूं सू, कर ले मेल यो दिल का खेल यो कर रहा आज बेहाल मने, तिरछी नजर के तीर चला के कर दिया क्यों दिल घाल तने, तिरछी नजर के तीर चला के कर दिया क्यों दिल घाल तने। बे माता ने घड़ी बैठ के रूप गजब का ले री तू, ओ मैं हीर तू रांझा से मैं तो जन्म जन्म ते तेरी सू, बे माता ने घड़ी बैठ के रूप गजब कलेरी तू, मैं हीर तू रांझा से मैं जन्म जन्म ते तेरी सू, ओ जन्म जन्म ते तेरी सू, या काया मेरी चीज से तेरी चाहे जड़े अधर्म करे धर्म तेरी।
तेरी इज्जत का से ख्याल मने क्यों कर अधर्म कर धर्म तेरी इज्जत का से ख्याल मने तिरछी नजर के तीर चला के कर दिया क्यों दिल घाल तने देख रहा है भीम। अरे के दिखाओगा चरण सिंह। यो ही हाल रहा ना इन डेरों की छोरी सारी मास्टर नहीं बन जाएंगी। तो हम के कर सके हैं भाई। कुछ ना करा ना तो सारी छोरी मोटरसाइकिल वालों की गल घूमेंगी। हाँ भाई यह बात तो तू ठीक कह रहा चरण सिंह। मारी तो छोरी ना रीत बदल दी लिखाई पढ़ाई ना जिसको मोटरसाइकिल पर घूमिया करे छोरी चौधरी नाश करेगी दुनिया का गुंडापन खिंडा का यो मुखिया नाश करके रहेगा हमारा। तो बात तो ठीक कह रही तू इस मुखिया ने सारा नाश कर दिया हमारा। ओ काका सतन। हाँ दौड़िया के कहे था काका नू कौन था अक अपनी भाण ब्रह्म में स्वासन होगी इब कोई मेल का छोरा देखकर उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। धोड़िया मैं समझू सो तेरी बात पर इतना पढ़ा लिखा छोरा तो अपनी बिरादरी में पावे नहीं यह पढ़ाई लिखाई तो हमारे खातिर मुश्किल खड़ी करेगी। हाँ काका सतन सहते या सोचने की बात। भाई धोलिया क्या की सोच करो सो तेरे बारे में सोचे से बेटी और यो धोरिया सारी हान तेरे बारे में सोचा करे से और यो ना होंदा तो आज तू इस जगह पे ना होती। इतना ख्याल तो तेरा सगा भाई भी होता ना तो वो भी ना करता बेटी। हाँ बापू मैं भी तो धोलिया ने अपना सगा भाई समझो सु। हाँ बाण तू सच्ची कैसा है पर इब तेरे भाई ने तेरी चिंता और भी घनी पड़गी। क्यों भाई इब ते मैं अपने पाए पे भी खड़ी होगी। ए ब्रह्मी यह तो चिंता की बात है के कोई बेटा बेटी जब जवान हो जाए तो नुके आग्रह मेरा ब्याह कर दे। ए यो तो माँ बाप का फर्ज हो से अग टेम पे उसके हाथ पीले कर दे। पर भाई इबे इतनी के जल्दी से। पर बेटी मने डर लाग गया से कदे गाड़िया लो आरा की इज्जत पे दाग लाग गया पर तेरा यो पढ़ाना मारी कौम की इज्जत पे साई फेर दे। पर पापू मैं तो हे भाण मारे तो दिल में आज एक ऊ भी डर सा बैठ रहा सा। क्या का डर भाई आज तो छोरे गेल आई थी ना तो ये कबीले आले बेराना तेरे बारे में के बात करे थे के बता किसे की जुबान पकड़ी जा से। पर बापू उस छोरे में के कमी से वो भी तो राजपूता का छोरा से मेरे बराबर पढ़िया लिखा से नौकरी लाग रहा बता और के चाहिए तमने। रमी मन यही तो डर था यो डर आज मेरे मह के निकलेगा। दौड़िया मैं तने नाटू था कि हम छोरिया ने नहीं पढ़ाया करते देख लिया यो पढ़ाई का नतीजा। काका तू समाई राख मने अपनी भाण पे पूरा भरोसा से। रे सत्तने नहीं मानी तुमने मेरी ना तन्ने मानी ना ही दोड़िया ने मानी मैं नाटू थी मत पढ़ाओ। बिरमी इन खा का मरेगी तू ये भी समझ जा लुंगाड़ी कुछ ना बिगड़ा से समझ ले कुछ कर ले कुछ इज्जत का ख्याल। भाई तू तो मेरी सारी बात जाने से अरे तू भी अपनी भाण के दिल का दर्द को नहीं समझता। भाई तू एक बात बता कि मैं किसी अनपढ़ गंवार की गेल क्यों कर जिंदगी काटूंगी मेरी इस मेहनत और थारे इस त्याग का के फायदा होगा। भाई मैं भी उससे प्यार करूं सो और हमने तो एक प्रण भी ले रखा है कि सारी जिंदगी गरीबा के बच्चों को पढ़ावेंगे। इस काम की खातर दोनों ने चाहे कितनी ही मुसीबत क्यों ना उठानी पड़े मारी शादी होगी तो ठीक से ना ते दोनों सारी उम्र कवारे रह के इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। बापू मैं तेरा दर्द समझू सू पर के करूं मेरी मंजिल थारी सोच ते कोनी मिल सकती और मैं अपनी मंजिल पाण के खातिर कोई भी कुर्बानी देने न तैयार सू। थामनी चाहो सो ना कि मैं उससे ब्याह नहीं करूं ठीक से पर या भी सुन लियो मैं सारी उम्र कुवारी रहूंगी ब्याह होगा तो उसकी केल ना ते नियोए रहूंगी और अपनी मंजिल पाके रहूंगी।
भाई न्यू ना करा करे ब्रह्मी ठीक ही तो कवे थी न्यू बता एक पढ़ी लिखी नौकरी वाली छोरी ने अनपढ़ गवार के क्यों बांध दिया। अरे तुमने तो यह पैदा ही करी होगी पर मने भी तो इसकी जिंदगी बनाने खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया। आज इसकी जिंदगी खराब क्यों कर दू यह छोरी उसने चावा है तो तुमने ब्याह करने में क्या दिक्कत है। इनमें बट्टे वाली के बात से धर्म भी राजपूत से राजपूत वो तो देवता समान आदमी से इनके इरादे इतने नेक से जे ये छोरा अपनी बरादरी का ना हो तब भी ये गले लगाने लायक है। कबीले वाले के कहेंगे भाई। काका इन सारे की चिंता मत करे इन सारे ने तो मैं समझा दूंगा। देख लो भाई जिसी थारी मर्जी। भाई सतन इतनी सोच मना करे चल खड़े हो धर्म के घर चलांगे। ठीक सर धोलिया तू बात कर ले इन सारे से फिर तड़के चल लेंगे। ठीक सर काका। भाई इस टाइम अपना गांव फुल तरक्की कर रहा है करता रहेगा छोरा पूरे हरियाणा में बड्डी कुश्ती जीत कर फर्स्ट आ रहा है इनाम लेगा करता रहे और अपना वो नहीं सर कर्म फौजी उसका भाई धर्म पूरे हरियाणा में दूसरे नंबर पे इसका मतलब भाई अपना गांव पूरी तरक्की कर रहा है इस टाइम। प्रधान जी न्यू सुनिए हो छोरा मास्टर भी लग गया। हाँ मास्टर लग गया होगा भाई बहुत समझदार छोरा है बड़ा लायक छोरा से। प्रधान जी राम राम जी। राम राम भाई राम राम। और लायक तो और भी गणा से वो उगे और चर्चे ना सुने। वो क्या भाई वो जो गाड़ी लो आ रही छोरी से ब्याह करने की कैसे यो भी नाम रोशन करेगा वो काम का। भाई मैं कुछ समझा नहीं। प्रधान जी इसमें समझन की कौन सी बात रहेगी वे थोड़े से दिन पहले नहीं पड़े थे आड़गाड़ी लवार जोड़ पे। भाई पड़े थे पाछसी उनकी छोरी थी आपको पढ़ रही होगी दो चार क्लास ऊ गए ब्याह करने की कैसे। प्रधान जी ये तो गांव के बट्टा लाने वाली बात होगी। अरे न्यू क्यों करो जाएगा भाई मैं इब्बत जाएगा और मैं पता करूंगा मैं देखूंगा किस तरह हो जाएगा ये काम। अरे छोरे दादा राम राम। ठीक से मैंने न्यूज सुनी से तू गाड़ियां लगा रहा छोरी से ब्याह करे से। यह बात तो ठीक सुनी से दादा। समाज से लड़ने की ताकत है तेरे में करेगा ब्याह। दादा इसमें लड़ाई की तो कोई बात है कौन है जय समाज इससे न लड़ाई मानने से तो वह भी देखी जाएगी। छोड़ दे पार निपटा कर तीन खेलना में सुखी रहेगा। दादा यह पार तो पड़ेगी। अरे देख लेंगे पहला भी बहुत देखे से जवानी के जोश और तन्ने भी देख लेंगे। अरे तेरे पता गांव में बहुत उम्मीद थी और आज तू गांव की इज्जत का बट्टा लाओगा। गांव में लड़कियों की पढ़ाई खातिर कोई स्कूल नहीं से यो गांव का बट्टा नहीं से और मैं बट्टा लाऊं सू। ठीक से ते कल अपने भाई ने पंचायत में भेज दिए।
सुनो सुनो सुनो, गांव वालों, पंचो व सरपंचो, इस गोसर पोसर से कुछ नहीं होना। ये मारी एक परिवार की इज्जत का सवाल नहीं, मारे पूरी बिरादरी की इज्जत का सवाल है। और प्रधान जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि फौजी भाई से आमने सामने होकर बात करें। ये कोई पंचायत का वसूल नहीं, यहां 2-2.5 घंटे से बैठे हैं, कब तक बैठे रहेंगे? प्रधान जी तुरंत एक्शन ले और इस कार्रवाई करें। भाइयों, बुजुर्गों, प्रधान जी, इनकी शादीकरण में भाइयों ने के ऐतराज है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करे हैं और इनके एक होने में गांव वाले की परेशानी है। बेटा करम, तू इस बात ना अच्छी तरह जाने से, हम अपनी इज्जत की खातिर अपनी जान भी दे सके से, पर अपनी इज्जत का बट्टा नहीं लगन दिया करते। अरे गाड़िया लवार की छोरी से ब्याह करके जो गांव की इज्जत का बट्टा नहीं तो कैसे हो? दादा तेरी बात 16 ने सही है और मैं मानू भी हूँ, पर एक बात बता दादा, दोनों बालक राजपूतना कैसे हैं? इनके एक होने में कौन सा बट्टा लगेगा मने न्यू बता। अरे फौजी सरमाले, न्यू पार ना पड़ा करती, हमने गाम राम के साथ मिलकर चलना है। भैया पार तो पड़ेगी और यो ब्याह भी होगा और खूब होगा और तू आगे कल देख लिए। अरे छोरे मेरी सुने, लवारा की छोरी तो ब्याह करने में बट्टा नहीं लगता, कड़े में छोटी जात, कड़ा हम राजपूत। दादा जवान संभाल के बात करिए, तूने छोटी जात क्यों कर कहे है? मैं तो दादा तने बहुत समझदार मानू था, तू तो समझदारी के अलावा दौरे भी कौन है? तू महाराणा प्रताप की संतान ने नीच बतावा है, जिसके एक वचन के खातिर वो दर दर भटक रहे हैं। दादा दर दर भटक रहे हैं। दादा तू क्यों कर अपने आप ने राजपूत कहे है? अगर वह नीच है तो हम सारे नीच है। भाइयों सुनो, मेरा यो आखिरी फैसला है कि मेरे भाई का ब्याह ब्रह्मी के साथ होगा। अगर किसी ने कोई एतराज हो तो माफ करियो भाई। भाई फौजी देखिए बात ठीक नहीं है, तू उल्टी नहीं चलाओ है, ये बालक नहीं तो हाथा मत लेकर जाएंगे। भाई यार ये तो हमने अपने दौरे तो बनाई नहीं, जो समाज काल था वो आज नहीं, जो आज है वो काल नहीं रहना। अरे मैं देखूंगा किसे प्रथे करेगा, आज समाज बदल लिया, बहुत देखे समाज बदल लिया हमने। अरे छोरे तू किस तरह मुंह सुझाई खड़ा है, चालीन खाटन ठाकर धर। दादा मैंने न्यू बता, तू क्या था समाज का ठेकेदार बने रहा है? वह दोनों पढ़े लिखे हैं, उनती को नहीं मेरा के अच्छी है के माड़ी है, वह बने रहे ठेकेदार। तू घना शाना मत बने, तू क्या जाना बड्डे बुड्ढे की बात ने? जो थारे बड्डा ने कराया वो तो हमने कराया है के? अरे क्यों ना करा, हमने बड़े बुड्ढे वाला काम है, हमने अपनी जात बिरादरी का ख्याल रखा से। ए दादा वो अपने हॉस्पिटल में, वो भी तो नीची जात का है, उस दौरे तो बड़ी तू गोली ले आवे है और उसके दौरे बैठ के बीड़ी बाड़ी भी पीवे है, वो तो तने बड़ा पढ़िया लिखा लग गया है। अच्छा बहुत शानी बात आ गई तेरे ते, डॉक्टर की बात करे से, वो डॉक्टर तो समाज की भलाई के काम करे से। दादा वो बहुत नेक दिल ईमानदार छोरा है, जिस समाज की तू बात कर रहा है ना, उससे समाज की भलाई के काम कर लाग रहा है। बेटा बीरू मैं तेरी सारी बात समझू सू, पर मैं क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी से मन रोज गांव के 10-8 दिन की बात सुननी पड़े से। सब न्यू को ऐसे जिस छोरे की बड़ाई करा करता और वो छोरा कितना गलत काम करने जा रहा से। दादा कुछ अपने दिमाग पे भी काम लिया कर, बाकी मैंने दी क्या तो मैंने की समाज में बैठने जोगा नहीं छोड़ देगा। अरे बेटा महेंद्र मैं तेन न्यू कार्टूनर बावड़ा समझू था, मैंने तो आज पता लग गया तो छाना है छाना, सारी समझदारी की बात करने लग गया। और बेटा इसे हिसाब से जरूर तू मंत्री बनेगा और मैं भी तेरी पूरी इच्छा पूरी करूंगा भाई। अरे भाई छोरा तो वो भी समझदार लायक से हमारी जिंदगी। ओ बिरजू
हाँ क्या कहा था राज कित मर गए सारे के सारे जाड़े तो हैं सारे केतरी फूट रही है दिखता नहीं तने तू सारी जाने से मैं किसकी बुझूं वो बर्मी दौड़िया मुखिया कित मर गए मरने के बेरा तू गड़ा अनजान मत ना बने जो बुझू वो बता अरे यो ना बतावे मैं बताऊंगा सारी बात आज बर्मी का ब्यास है धर्म के साथ और सारे मंदिर में गए से के कही ब्रह्मी का ब्याह हाँ समशेर हाँ ब्रह्मी का ब्याह है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा पहले गेटी उसकी काटूंगा जिसने सर पे पोतिया धरा होगा लाश पर लाश बिछा दूंगा चलो अरे थारे कुछ सोच सह के नहीं से जो ये हाल रहा तो सारे के सारे कुंवारे मर रहेंगे चलो मेरी चलिया रे समशेर ए भाई छोकरो रे रोला ना करा करते तू हट जा अरे ना सो जा गो ये नुए रीत बदलेगी तो मारा क्या होगा हट जा बुआ तू जान जा अरे अरे रहन दो अरे रहन दो अरे बर्मी ते नहाज अपने डेरे पर वो कलंक लगाया जाए जो कदर नहीं मिटाया जा सकता अरे तेरी खुशी खातर मैंने क्या नहीं करया बताओ मैं तेरा पिटका जा कर तेरा सायन काट देता मैं जो तेने अपना सुहाग बनाया था ना मोहिश ना मिलो छोटुआ नहीं छोटुआ ले चल चल हो गया मैं तेरे नहीं छोड़ूंगा नहीं धरो नहीं 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 धरो नहीं वो तो अज्ञानी है अनपढ़ गंवार था इसलिए तो उसने ऐसी ऐसी ऊंची हरकत करी जब वो समझदार होता तो ऐसी ऊंची हरकत कभी न करता धर्म धर्म तू मैंने एक वचन दे वचन दे धर्म आपने जो प्रतिज्ञा मिलके करी थी उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा बोल करेगा ना धर्म हाँ बर्मी मैं तेरे आगे एक बार फिर यो प्रण ले उसू मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जिसमें गरीब और घूमने वाली जाता की बालका का पढ़ाई का पूरा प्रबंध होगा ताकि इस देश में लाखों बर्मी देख सकूं और टोन लागू तो एक भी समशेर ना पावे अच्छा अच्छा धर्म बर्मी बर्मी और आज ये उसी प्रतिज्ञा का फल है जो इस अनूठी शिक्षा संस्थान का निर्माण ठाकुर धर्म सिंह जी ने दिन रात एक करके अपना सारा जीवन इसी लक्ष्य की प्राप्ति को अर्पित कर दिया। मैं आपको एक बात और बताना भूल गया, ठाकुर साहब कॉलेज के दिनों में बड़े अच्छे गायक और लेखक हुआ करते थे। इनकी कविताएं कॉलेज के हर एक स्टूडेंट की जुबान पर हुआ करती थी। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए ठाकुर साहब से गुजारिश करता हूँ कि एक बार माइक पर आएं और आप लोगों के सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करें। आप ठाकुर साहब का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। ठाकुर साहब जी एक बार प्लीज़ माइक पर आइए। ठाकुर साहब ठाकुर साहब ठाकुर साहब ठाकुर धर्म सिंह जी आओ ना एक बार। अरे धर्म छोड़ गया के बचपन का याराना नजर के तीर चला के
कर दिया क्यों दिल घाल तने, तिरछी नजर के तीर चला के कर दिया क्यों दिल घाल तने।